श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का इस महा प्रसंग का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि यह कथा शास्त्री नगर मैरिज गार्डन देवगढ़ में चल रही है। कथा के आयोजक पूरा तिवारी परिवार, आप देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूज्य माता जी गणपति देवी और पूज्य पिता छोगालाल जी के स्मृति में ये पूरा कथा का प्रसंग चल रहा है, जिसमें क्षेत्रवासी बड़ा ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सुबह सुबह प्रतिदिन जो है पूजा की जाती है बड़े भाव के साथ। भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की कथा होना आप देख पा रहे हैं। सुबह सुबह प्रतिदिन एक बार पूजा अर्चना के साथ मेरा नाम कृष्णा है जी, मेरे पति का नाम शुक्लाल तिवारी है और मेरे 2 साल से मतलब अंदरूनी इच्छा हो रही थी करवानी है, तो इसलिए सोचते 2 साल ऊपर निकल गए हैं और 6 महीने से तो मेरा कट्टर विचार हो गया मेरे को करवाना ही है। कैसे ये आपने चालू किया, कैसे बात की? बस वो भाव ऐसे ही हो गया था कि मेरे को बस कथा करवानी है, तो मैंने पंडित जी से बात करी, मैंने कहा मेरा ये विचार है तो कर तेरा पवे हो जाएगा, तो मैंने उन्होंने हाई कर लिया और मैंने भी सास ससुर है जी, जी। गणपति देवी और छोगालाल जी मेरे सास ससुर है, गंगाधर जी मेरे जेठ जी है, मदन जी मेरे जेठ जी है और श्याम जी मेरे जेठ जी है, बसंत कुमार जी मेरे जेठ जी है और शुक्ला जी मेरे पति है। वो भी भाई है, वो भी धर्म पुण्य से जुड़े थे छोगालाल जी और धर्म पत्नी। हाँ। उनसे ही प्रेरणा आपको मिली है? उनसे तो नहीं, क्या मेरी शादी के पहले मेरे सासू की डेथ हो गई थी, ससुर की मेरे साल डेढ़ सवा साल बाद डेथ हो गई थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने ये शायद बाहर उनका ही आशीर्वाद रहा मेरे साथ में। अब उनका फोटो अगर मेरे कमरे से हट जाता तो मेरे को बहुत अजीब सा महसूस होता है, तो उनका फोटो मैं हटाने नहीं देती हूँ किसी को भी। भाई शुरू से ही मेरा मतलब वो जब से छोटी थी तो देवगढ़ में मेरा ननिहाल है मेरी मम्मी का। हाँ। तो आती थी उनके घर, जाती भी थी क्या, तो पता नहीं मेरे को अपने आप ही मतलब ऐसे मतलब लगता था कि मैं तो भाई सुख में देवगढ़ ही शादी हो गई मेरी क्या, तो ससुर बहुत मतलब ऐसा रखते थे भले कुछ समय के लिए रहे वो मेरे साथ में, लेकिन फिर भी मेरे को इतना बेटी की तरह ही मानते थे, चाहे किसी को माने न माने लेकिन मेरे को बेटी की तरह ही मानते थे। माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके? माता पिता तो मेरे बहुत मतलब वो है बाहर आ गया, मतलब जो भी मैं बोलती हूँ तो मेरे पिता कभी मना नहीं करते, माता मना नहीं करती है क्या। मेरे माता पिता का तो आशीर्वाद मेरे साथ है, सास ससुर का भी मेरे साथ है, अभी माता पिता है वो आएंगे। कथा तो छोटे स्तर पे भी घर में भी हो सकती थी, फिर आपने इतना बड़ा ये डिसीजन कैसे लिया? अब वो मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा चलो कराऊंगी तो मेरा सभी आस पड़ोस घर में तो कर बैठते करते ही हैं, लेकिन पहाड़ पड़ोस सब खुश होंगे और करेंगे, तो देखो हमारे जो पूर्वज का है उनका भी हाथ मेरे ऊपर है, तो भाई चलो मैं एक बार करवा ही देती हूँ, इसलिए मैंने इतना डिसीजन अकेले नहीं लिया, मतलब किसी का भी साथ नहीं है इसमें, हम दोनों का ही है। जिस प्रकार से अब लोग आ रहे हैं, क्षेत्र के भक्त आ रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपके मन में? अच्छा लगता है मेरे को, और नहीं आते तो मेरे को दुख होता है क्या, जो नहीं आते तो उनको मैं बोलती भी हूँ ये बात नहीं कि आज मैं किस लिए करवा रही हूँ, आप सब इकट्ठे हो क्या। अभी मतलब 2-3 साल पहले हमने स्नेह मिलन समारोह भी करा था, तो पूरे परिवार को मतलब मेरे मतलब बुआ सास और नानिया ससुर का परिवार इकट्ठा करा हमने, तो उसमें भी हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखा था पूरा। आज के दौर में लोग आधुनिक युग में मोबाइल से जीवन जीते हैं, पूजा को भूलते जा रहे हैं। वो
वही तो वो है, चलो अपन थोड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बच्चों को संस्कार मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण करें। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रसंग तिवारी परिवार ने मिलकर बहुत ही सुंदर सजाया, जिसमें पूरी क्षेत्र की जनता और बाहर से परिवार के लोग भी इसमें लाभान्वित हुए हैं। और आप जानते हैं कि लाइव देखने के देखते दर्शक भी इसका पूरा पूरा लाभ जो है वो उठा रहे हैं। चलिए पुजारी जी के पास चलते हैं थोड़ा सा। मेरा तो भैया भी बहुत साथ देते हैं। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। आचार्य जी को हमारे प्रभाकर जी त्रिपाठी हैं जो कथावाचक हैं, और यहाँ का जो पूजा का कर्म जो पूजा पाठ जो चल रही है उसका सब जितना भी कार्य है वो हमको करना है। हम उनके शिष्य हैं जो कथावाचक हैं, उनके शिष्य हैं, और उनके द्वारा जो ये भी कर्म है जो भी है वो उनके निधि उनके अनुसार जो वो कह रहे हैं वो उसके अनुसार हम ये कर्म कर रहे हैं। हमारी इसमें सारी व्यवस्था हमारी ही रहेगी, जैसे पूजा पाठ का है या आरती का हो या पर जो भी है, जो भी कर्म है हमारा जो नित्य है। अगर कोई भी कथा करवाता तो उसको किस किस बातों का ध्यान रखता है, किस तरह पूजा होती है, क्या विधि इसकी होती है, व्यासपीठ के क्या कर्तव्य होते हैं? यहाँ क्या है, श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा के विषय के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। हमने शुरू दिन पुण्या वाचन का वाचन किया था, उसमें जो नियम है वो बताया गया कि हमने कि ये व्रत जप नियम तप स्वाध्याय उसका उनको वाचन करवाया था कि हमको एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम फलाहार या जो भी अच्छा हो उनके अनुसार उसका नियम है। उसके अंदर आता है व्रत और जप जो नियम है, जो हमारे जो आचार्य लोग जो हैं पूजा पाठ जो कर रहे हैं, और जो अपना नित्य कर्म है उसको भी करना है, और उसके बाद भी और कर्म आपको अपनी तरफ से करना है कि आप पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, जैसे हम किसी श्रीनाथ जी का हम जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो तो करना ही है आपको, उसके अलावा और भी कर्म करना चाहिए, ये चीज़ उनको बताया गया। फिर उसके अंदर आता है क्रतु, इसमें क्रोध नहीं करना, हमारा क्रोध करने से ये जो कर्म किया हुआ निष्फल हो जाता है, इसलिए उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। और दमन, उसमें एक विशिष्ट बात आती है दमन, किसी को रोक नहीं जानना कि भाई हम जो कहें वो करना है, ये नहीं है। उसमें दमन नहीं दिखाना, मतलब कि किसी कर्म को कर रहे हैं तभी ये नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा ये इसके अंदर नियम आए हैं। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपका ये जो कार्य है भागवत का कार्य है वो आपका पूर्ण होगा। महाराज का पूरा परिचय और आप लोगों का परिचय, कितने लोग हैं? पहले महाराज का पूरा नाम परिचय उनका। महाराज जी का नाम है डॉक्टर प्रभाकर जी त्रिपाठी, वो मुंबई के निवासी हैं, और बाकी जो पंडित जी हैं, जैसे हमारा नाम मनीष त्रिपाठी है जो मंदसौर के निवासी हैं। आपका कार्य, सबका कार्य का उल्लेख भी करें। मैंने बना वाराणसी से, मैंने शुक्ल यजुर्वेद में आचार्य किया है, और मैं कर्मकांड का विषय भी मेरा है, ज्योतिष का नहीं है विषय, पर कर्मकांड का विशेष है। जी जी, आपके साथियों। और हमारे सुभाष जी हैं जो देवास के निवासी हैं, उनने भी शुक्ल यजुर्वेद में आचार्य किया है, और उनका भी कर्मकांड ही करने का है। फिर हमारे शामगढ़ के निवासी हैं प्रहलाद जी शर्मा, वो भी कर्मकांड ही करते हैं। और म्यूजिशियन कहाँ से आए? ये वृंदावन के हैं निवासी, कुछ कोई गोकुल के हैं, कोई आसपास के, मतलब
वृंदावन से आसपास के भी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से आए हुए पंडित जी हैं, संगीतज्ञ जो गायककार हैं, और नवल जी शास्त्री नाम है उनका, वो वृंदावन के निवासी हैं। वो सबका नाम बताओ जी, क्या नाम है? भिक्टू, दूसरे जो तपला वादक में है वो भिक्टू जी नाम है उनका, वो भी वृंदावन के ही निवासी हैं। और तीसरे जो हैं बेंजो, बेंजो वादन, बेंजो, हाँ बेंजो, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, वाह वाह, कुंज बिहारी मंदिर ही गए थे और कुंज बिहारी स्वयं ही आ गए। जी आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? तो इस चीज़ में कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हमें ये सौभाग्य मिला है। क्या कहना चाहेंगे अपने दादा दादी? देखिए सर, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला कि हम हमारे दादा दादी की गोद में कभी खेल पा रहे। जो लोग आज कदर नहीं करते दादा दादी की, क्योंकि दादा दादी से परिवार में अनुशासन है, व्यवहार है, और बच्चों को किस प्रकार से अन्य लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए उसकी शिक्षा मिलती है। माँ बाप को शिक्षा नहीं देते। क्या इस भक्ति के कारगर में आपका ननेरा सबसे महत्वपूर्ण भागीदार? बिल्कुल है, वो तो बहुत ज़्यादा है। हमारे ननिहाल के जो सभी हैं, जैसे हमारे नानी जी हैं, वो नानी जी नाना जी नादवारा से हैं, नादवारा पूरा पूरा भक्तिमय है, सिन्हा जी की नगरी का है, और नाना जी है ही है। फिर हमारे जो पंडित जी हैं वो हमारे मामा जी हैं, और कल पधारे थे जो कृष्णानंद जी, वो मामा जी हैं। तो इन सभी के सान्निध्य से हमें भी इसका लाभ मिलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज को, पूरे देश को, कि वो भक्ति से जुड़े? क्या भक्ति एक रास्ता दिखाती है? भक्ति एक रास्ता बताती है, और आपको अपने कर्मों का जो फल है वो यथावत मिलता है, और आपके द्वारा कुछ जाने अनजाने में जो भी कुछ गुनाह हुए हैं उनकी मुक्ति मिलती है, और भक्ति से आपका मोक्ष की संभावना भी बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये प्रसंग? क्या कहना चाहेंगे नाना नानी के लिए विशेष? नाना नानी के लिए कहना चाहेंगे कि पूरे देवगढ़ के लिए ही नहीं, पूरे तिवारी परिवार के लिए, और बहुत ही गौरवमय पल है जिसमें नाना नानी अब यहाँ पे कथा करवा रहे हैं, और हम सब जो जन हैं वो भागवत रस का पान कर रहे हैं, और जो 84 लाख योनियों में भटकने की जो कहते हैं तो उससे ताड़ने की नाना नानी अपने पूर्वजों को भी ताड़ रहे हैं, और सभी को ताड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास किया है, हम सब भी सीखेंगे, और आगे हम भी चाहते हैं कि भगवान से इच्छा है कि हम भी भागवत कराएं, ऐसी अनुकंपा है प्रभु से। आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे, और नाना नानी पर भी बना रहे, और ये अपने पूर्वजों के ताड़ने के लिए बहुत बड़ा एक नांदी साथ भी साथ में कर रहे हैं, तो वो सभी को करना चाहिए। सभी की खुशी में मैं अपनी खुशी प्रकाश करता हूँ, सब पधारने वाले को सब धन्यवाद देता हूँ, और हमारे इस कार्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मतलब कार्य मुझे अच्छे ढंग से संपन्न हो। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपने तिवारी परिवार के बहुत ही सुंदर विचार सा अनुभव हुआ है। अगर आप भी अपने क्षेत्र में कहीं कथा कराएं, समाज में कराएं, बिरादरी में कराएं, अपने माता पिता दादा दादी परदादा की स्मृति में इस प्रकार से आप आयोजन करते हैं, तो वास्तव में आप अपने पुत्र धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य पूरा करते हैं, और कर्तव्य पालक बनकर आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, इस समाज को आप बहुत कुछ दे सकते हैं। आइए सब मिलकर इस भक्ति की ओर चलें, और आइए इस महाप्रसंग के आनंद को घर बैठकर आनंद लें। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर देखें, और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम मारुवाय नमः स्वाहा, आधुनिकं बुद्धिपूर्वकं ये आधु, गोविंदाय नमः तमक्षाग नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, अस्तु प्रक्षाल्यः ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम मानवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः तवक्षाननम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम मानवाय नमः स्वाहा, अस्तु प्रक्षाल्यः गोविंदाय नमः। जय कृष्ण, राधे राधे, श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं नज़ारा शास्त्री नगर, शास्त्री नगर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं देवगढ़ से, जहां कथा का आज तीसरा दिन है। और आप देख रहे हैं बड़े भाव के साथ बहुत ही खूबसूरत पांडाल सजाया गया है तिवारी फैमिली ने। ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है। तो तिवारी परिवार ने ये बहुत ही सुंदर प्रसंग सजाया है। आइए थोड़ी सी देर में, कुछ ही देर में कथा स्टार्ट होगी और कथा प्रारंभ होगी। और हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में व्यासपीठ महोदय पधारने वाले हैं, जो अपने मुखादि से सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हमें प्रसंग सुनाने वाले हैं। बड़े भाव के साथ आपने दो दिनों से सुना है, आज तीसरा दिन भी बड़े भाव के साथ आप सुने। तिवारी परिवार ने ये प्रसंग आप लोगों के लिए सजाया है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रसंग का आनंद उठाएँ, लाभ उठाएँ। देखिए हमारे बड़े भाई साहब प्रवीण जी बहुत ही बड़े भाव के साथ बाबूजी पधार गए हैं, और हमारे पंडित जी भी पधार चुके हैं बड़े मुस्कुराते हुए, और भगवान के प्रति समर्पण भाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये बहुत ही सुंदर भाव, और कुछ ही देर में महाराज श्री आने वाले हैं। बरसात का मौसम अभी भी बना हुआ है, कल भी बरसात हुई थी, और बरसात की वजह से कथा नहीं रुकी। ये सबसे अच्छी बात है, कथा चलती रही, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई है, जनरेटर वगैरह सारी व्यवस्था है। और पूरा तिवारी परिवार ने ये प्रसंग को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। आइए भक्तों चलते हैं भजन की ओर, और भजनों का हम खूबसूरत आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Yeah.
बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, प्रवेश कर रहा है।
भगवान की कृपा से हमको ये अवसर प्राप्त हुआ और यथासंभव हम उसका आनंद लेने का प्रयत्न करें। कल हमने ये सुना था कि पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को दिया और वो महाप्रस्थान है, उन्होंने महाप्रस्थान किया। राजा परीक्षित ने अपने राज्य का विस्तार किया और विस्तार के उस प्रसंग में एक गाय और बैल के संवाद को सुना, अभय प्रदान किया और कलयुग का निग्रह किया। फिर राजा के ऊपर ही कलयुग का प्रभाव हुआ, क्योंकि राजा ने जिस मुकुट को पहना वो मुकुट जरा सा बड़ा सुंदर मुकुट था कि बेटे ने मांगा कि मेरे पिताजी के निशानी मुझे दे दो, परंतु उन्होंने इसको नहीं दिया। हमने जिसको जीता है इसलिए वो उसको लेकर गया। इस कारण से वो कलयुग मुकुट में आकर के बैठ रहे हैं। उस राजा की बुद्धि ये सब बातें हम करते हैं। फिर राजा परीक्षित को शाप का ज्ञान हुआ और राजा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राज्य बच्चों को दे दिया और वहां से गंगा किनारे आकर के वहां सुखदेव जी महाराज थे और सुखदेव जी से राजा ने 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए इस बात का प्रश्न किया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा को कहा, भैया राजा तुम्हारी मुक्ति तो हो गई, जब तुमने घर छोड़ दिया, राज्य का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ करके और गंगा जी की शरण में आ गए तो तुम्हारा मोक्ष है। बंधन और मोक्ष मन का होता है, शरीर का मोक्ष, शरीर का मोक्ष तो जब चले आदमी मर जाता है तो उसके बाद में उसको ले जा करके या तो जला देते हैं, जल में छोड़ देते हैं या जमीन में लाते हैं, वो मोक्ष हो गया। बंधना और मुक्त होना ये केवल मन का है, क्योंकि हमारा मन ही हमको बंधन में डालता है। जहां हमारा मन फंसा रह जाता है वो हमको बंधना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों की जो वासना है, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ही हमको वापस आ जाएंगे। इसलिए हम वासना रहित हो जाएं, उस वासना का निवारण हो जाए, इसके लिए हम शास्त्र को सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वासना रहित हो जाए। हमारा मन सब ओर से हट करके भगवान की ओर चला जाए, क्योंकि उसको तो कुछ न कुछ काम देंगे, मन को तो कहीं कहीं जाना है, या तो संसार में जाएगा या भगवान में जाएगा। केवल उसकी दिशा को बदलना है, इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक बुल्ले शाह, उन्होंने अपने गुरु जी को पूछा, वो खेती करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगाया जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, उन्होंने सरल रूप में बता दिया। वो प्याज उन्होंने उखाड़ा और उखाड़ करके दूसरी जगह लगा, बोला भगवान को क्या पाना है,
इस मन को यहाँ से उठाओ और उठा करके इधर रखो। चावल की खेती करते हैं ना, अपने चावल की खेती नहीं, जहाँ होती है वो चावल की खेती करने वाले पहले बीज करते हैं। चावल उत्पन्न होता है, जब पौधा निकल जाता है उस पौधे को उखाड़ा जाता है, उखाड़ने के बाद उसको दूसरी जगह लगाते हैं, तब वो फल देता है। उसी प्रकार से अपने मन को दुनियादारी से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना, बस इतना ही करना है, किधर से उठा के किधर लगाना। जब तक की पौना इतना फुट के पौना यहां से उठा के यहां लगाना, बस वो खेती कर रहे थे उन्होंने उठाया एक पौधा इधर से उठा के इधर लगा, बस भगवान के अपने मन को भगवान में लगा देंगे तो हमारा बंधन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संसार में लगता है तो वहां बंधन होता है, और भगवान में लगाते हैं, भगवान से यदि प्रेम हो गया, भगवान में हमारा मन लग गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाई और अभय दे दिया, भैया खटवांग राजा को तो एक मुहूर्त में मुक्ति मिल गई, 48 मिनट में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो तुम्हारे तो 7 दिन बाकी, कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारा मोक्ष निश्चित। ऐसा कहने वाला गुरु मिल जाए, धरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो गया बस। उन्होंने एक बात बताई कि देखो राजा, सब तेज की कामना चाहे हम तेजस्वी हो जाए, कुछ मेकअप नहीं करना पड़े, उसके बिना ही हम चमकते रहे, तो उसके लिए भगवान सूर्य की उपासना कर, सूर्य के समान तेज हो जाए। धन की कामना हो, पशुओं की उपासना करना चाहिए, आप देख पा रहे हैं कथा में, अन्न की कामना हो, अतिथि की उपासना करो, भी मैया देखो भागवत सुनने के लिए बता रहे हैं, अतिथि के पुत्रों की उपासना करो बड़े भाव के साथ, अलग अलग चीजों की, ललित जी तिवारी साहब, आयु की कामना हो, हमारी आयु बढ़े तो उसके लिए अश्विनी कुमारों की उपासना करो, सभी धर्म प्रेमी यहाँ मौजूद है, श्रीमद भागवत अलग अलग देवताओं की उपासना के बारे में बताया गया। भैया रूप की कामना हो कि हम सुंदर हो जाए, उसके लिए गंधर्वों की उपासना करो, स्त्री की कामना है तो पूर्वशी की उपासना करो, ऐसे सब उपासना बनाए। शास्त्री नगर पूरा देखें कि बहुत ही बड़ा है, काफी बड़ी संख्या में सम्राट परिवार के परिवार निवास करते हैं, और ये पूरा मैरिज गार्डन है जहाँ पर शादी विवाह होते हैं, उसी गार्डन में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तीसरा दिन है। बड़े भाव के साथ इस कथा में मैया आ रही हैं, तो देखें आप बादलों की गड़गड़ाहट, प्रेम बना रहे हैं, जैसे जैसे माइक की आवाज धुई पहुंच रही है वैसे वैसे मैया कथा की ओर। हमारे जनरेटर वाले भाई साहब तैयार है, देखो पूरी गाड़ी खड़ी है इनकी पूरी व्यवस्था में, जैसे लाइट जाएगी तो सब तैयार हो जाएंगे। जय हो भगवान श्री कृष्ण जी, जय हो। तो देखिए कितनी
मोतीलाल बादशाह को पोता नहीं ले है तो कथा में पधार गया। अच्छा देख लो सांस फूल रही है लेकिन कथा में तो जानो है, जानो है मारे सावरिया रे तो जानो ही जे, जानो ही जे भले ही चार रैम्बा क्यों नहीं लेना पड़े सावरिया में पार फूल लगा है। हां वाह सही बात है धनमान पार में लगा के लगन लाग गई हैं दो चार पांच छह तीसरे दाण कोने नहीं कई बात करो हां दो दाण बेटे हैं बेटा बेटी ने पोता ने संसारी का काटा। अच्छा ज्ञान यही जे भगवत कथा सुनो यदि ये सब तो टाबर की रहा कि तो खाली बुजुर्ग लोग ही सुने खाली बूढ़े बूढ़े लोग ही सुने यूं के बच्चा ही है माने नहीं नहीं खींचती हूं हैं तो आजकल एक ही भी कोई आवे ही नहीं हाँ सबने आनो छावे। देखिए कथा में सभी मैया गा रहे हैं जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे 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 पधार गया और मुंह भी तैयार और जय श्री कृष्ण। तो कथा रो आज तीसरो दिन है किधर लगी रो बढ़िया पधारो। तो कथा में देखो मैया पधारी हैं और लगातार तीसरा दिन है सब काम काज सब निपटा कर देखिए मैया की बड़ी भागीदारी है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये भक्ति की तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। देखिए श्री राम श्री कृष्ण को जपने के लिए बड़ी संख्या में मैया इसलिए उनके परिवार की पूजा की जाती और घर के अंदर यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसे ही स्वरूप का पूजन करना चाहिए। घर में सब प्रकार के आनंद रहता है। सब बातें बताते बताते सुखदेव जी ने कहा राजा अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारति जिसकी कोई कामना नहीं हो वही हमारे को कई इच्छा मैं कुछ नहीं चाहता उस व्यक्ति को अथवा जिसकी बहुत सारी इच्छाएं सर्व कामना या जिसकी मोक्ष की इच्छा हो मोक्ष कामना उस व्यक्ति को चाहिए कि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेकर के भगवान का तीव्र भक्ति योग तीव्र भक्ति योग का मतलब है हम जो दो पांच मिनट बैठ करके दस मिनट बैठ करके घंटे आधे घंटे बैठ करके माला फेर लेते हैं पूजा कर लेते हैं वो तीव्र भक्ति योग नहीं। वो तो जैसे गरम गरम तवा होता है ना उस तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारो वो पानी खत्म हो जाता है जल जाता है। वैसे ही यदि हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो उससे तो वही बगान लगाते हैं बगान में थोड़ा सा डालना पड़ता है थोड़ा जीरा डाल दिया थोड़ा कुछ डाल दिया तो बगान हो जाता है। लेकिन यहाँ तीव्र भक्ति योग का मतलब है कि दिन रात हर घड़ी हर पल उसको याद करता है दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय उसकी याद बनी रहनी चाहिए उसको भूले नहीं तब तीव्र भक्ति योग होता है। हर समय जहां जाए जिसको देखे उसमें भगवान दिखने लगे हर स्थिति में हर परिस्थिति में हर जगह पर हर समय में भगवान का दर्शन हो जाए ऐसा जब होगा तो तीव्र भक्ति योग होगा। ये सब बतलाने के बाद में राजा ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया है सुखदेव जी ने वहां पर ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद बताया। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे
नारद जी ने देखा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप तो दुनिया बनाते हो, आप तो सबका निर्माण करते हो, आपको ही क्या जरूरत पड़ गई आपसे बड़ा कौन। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इस सृष्टि के मालिक तो भगवान नारायण, हम तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करके ये काम करते हैं, असली स्वामी तो भगवान नारायण, तुम्हें उनका ही ध्यान करना। ब्रह्मा जी महाराज ने बताया यहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से सृष्टि के निर्माण की बात है। प्रलय हुआ और उस प्रलय काल में सबसे वो एकदम परे, भाई सब दोष नहीं, उनको गुस्सा है और उन्होंने इनको कहा कि तुम हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हो, भगवान के दर्शन में भी तुम भेदभाव करते हो, जब तुम इस लोक में रहने लायक नहीं। तब तीन बार कहा तो तीन बार उनको तीन जन्म लेने पड़े। बाहर हल्ला हो गया तो अंदर से भगवान पधारे, भगवान जी का क्या हुआ क्या हुआ, घर के दरवाजे पे कुछ हल्ला बुल्ला होगा तो भगवान जी का क्या बात। अरे महाराज वो बिना किसी भी सोच रहे थे कि क्या हो गया, मंदिर में आए यहाँ के गुस्सा करने, मंदिर की लाइन में खड़े हो गुस्सा नहीं आया, मंदिर में प्रसाद मिल रहा हो मन तो मिलेंगे नहीं, तो पहले मेरे को देना चाहिए, मैं बड़ा हाथ दूँ, ये सब कुछ छोड़ करके जाना। जूता स्टैंड रहता है ना, उसके साथ में एक इको स्टैंड भी रहता है, वो बाहर रख करके जाए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब मंदिर में जाने से पहले बाहर रख करके जाए। भगवान के सामने जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, एकदम निर्मल बन करके जाओ। ऋषियों को मन में दुख हो रहा था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो भगवान से कह रहे महाराज, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आपने जो किया अच्छा किया, इन लोगों की आदत खराब पड़ गई, इनको यह हो गया कि हम भी भगवान के सेवक है, तो कुछ भी करेंगे तो चलेगा, अपने अच्छा क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मेरा मुख है, यदि मेरी मेरा हाथ भी यदि गलती करता है तो मैं उस हाथ को भी क्षमा नहीं करूंगा, ब्राह्मण का अपमान करता। लक्ष्मी भी मुझे प्रिय नहीं है जितना प्रिय ब्राह्मण, बहुत सारी बातें कितने में लक्ष्मी जी आ गई, भगवान बाहर आए और दरवाजे पे कुछ ऐसा बोला जारी हो रही है और जोर जोर से लोग, तो वो भी आ गए। दो पत्नियां हैं, एक भूदेवी और दूसरी श्रीदेवी, दोनों आ गई। तो जय ने लक्ष्मी जी को कहा, विजय ने भूदेवी को कहा, माता जी आप चाहो तो हमको बजा सकते हो, महाराज ने तो हमको यहाँ से निकलने का साथ दे दिया, इस लोक में रहने लायक नहीं, क्या करें। तो वहां पर भगवान लक्ष्मी जी की बात, लक्ष्मी जी करें कोई भी आपके घर पे आए, कोई आपके नौकर को इतने सेवक को ऐसे डांट कर भी अच्छी बात थोड़ी, आपको इनका पक्ष लेना चाहिए, अपने आदमी का पक्ष लेना। भगवान ने कहा भाई देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, आज मेरी बात मानता हूँ, नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको आप बचा लो, ये अपने
भगवान ने कहा भाई देखो इनकी आदत खराब पड़ गई, आज इन्होंने इन ब्राह्मणों का अपमान किया और आपको याद नहीं एक बार इन्होंने आपका भी अपमान किया, लक्ष्मी जी को याद दिला रहे भरत मेरा कब अपमान किया तो मानती हूँ याद कहा नहीं एक बार ऐसा हो गया कहा नहीं याद नहीं मेरे को याद है तुमको याद नहीं मेरे को याद है। एक बार क्या हुआ भगवान याद दिला रहे कि जब आप भार्गवी हुई भृगु ऋषि की कन्या के रूप में उत्पन्न हुए भार्गवी कहते हैं एक नाम लक्ष्मी का भार्गव तो जब आपका भृगु ऋषि के यहाँ अवतार हुआ था तो उस समय में हम लोग हमारी ससुर जी भृगु ऋषि ने एक यज्ञ किया सबको बुलाया जवाई जी को भी बुलाया घर बेटी जवाई सबको बुलाया भगवान गए और जाने के बाद में अब यज्ञ में गए तो भैया खाली मेहमानदारी कराने के लिए भी जाते यज्ञ में तो सबको कुछ तो कुछ सहयोग करना चाहिए कुछ सेवा करनी चाहिए तन से मन से जैसा भी होता है सेवा करनी चाहिए। अब भगवान जमाई बन के गए तो ससुर जी ने कहा कि देखो आप आए हैं तो आपके लायक एक काम क्या आप दरवाजे पर खड़े हो जाते ऐसा होता है जमाई जी को दरवाजे पर खड़ा करो जो आए उसको आप दरवाजे पर खड़े होकर के रक्षा करें क्योंकि यहाँ पर राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न करते हैं कोई विघ्न बाधा नहीं आवे इसके लिए आप यहाँ खड़े और भगवान खड़े रहे। कुछ समय के बाद राक्षसों को मौका मिला कि भगवान तो अपने ससुराल में गए हुए और देवताओं का कोई है नहीं भगवान ही रक्षा करते हैं तो उन्होंने स्वर्ग में जाकर के हमला करा। कुछ लोग उनके साथ युद्ध कर रहे थे और कुछ भागते हुए भगवान के पास आए महाराज हम तो बड़ी तकलीफ में आ गए आप कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा भाई देखो इस समय सब काम छोड़ करके ससुर जी ने जिंदगी में पहली बार ये काम को पाए और ये काम हम नहीं कर पाए तो सारी जिंदगी कहते ही रहेंगे बदनामी हो जाएगी कि आपको एक काम सौंपा वो भी आप नहीं कर सकते। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा वहीं खड़े रहे देवताओं में बहुत एकदम रोने लगे आड़िया खाने लगे भगवान थोड़ी सी दया आ गई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप लोग यहाँ खड़े रहो ध्यान रखना कोई भी विघ्न बाधा नहीं करे कोई राक्षस यहाँ नहीं आ हाँ महाराज हम खड़े हम भगवान उधर गए और इधर राक्षसों ने विघ्न कर दिया यज्ञ भ्रष्ट हो गया। अब भगवान उधर का काम करके दौड़ते हुए आए झट दरवाजे पर खड़े हो तब तक सब काम बिगड़ गया था। भृगु ऋषि एकदम नाराज ससुर जी नाराज अब भगवान को एकदम कहीं मालूम कहीं रहे पसीना पसीना भाग दौड़ करके इधर से उधर गए उधर से इधर आए खड़े हो गए वो आए ऋषि बाद यज्ञशाला के बाहर आकर के उन्होंने कहा मैंने आपको एक काम बोला पहली बार आपको वो भी आप नहीं करते तो उससे उन्होंने उनको शाप दिया कि आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। राम जन्म के हेतु अनेक भृगु ऋषि का शाप भी उसने कहा नारद जी का शाप रामायण सुनिए आप लोग नारद जी भी होंगे तो सबको पूरा करने के लिए भगवान ने कहा। आज फिर क्या हुआ वहां से व्यक्ति तो हो नहीं पाया भगवान
अब सतगुरु जी ने कुछ कहा था भैया थोड़ा बहुत करो स्वाभिमान। लक्ष्मी को कहा विचार हो अपने घर जाते हैं। लक्ष्मी जी का मेरे पिताजी का काम बिगाड़ दिया आपने, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आता। ये हम कंपनी लगा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ, नहीं तो कहीं कहीं लिखा अन्यत्र लिखा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लक्ष्मी जी का मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, भगवान चले गए। अब भगवान वैकुंठ में आए, वैकुंठ में आकर के भगवान ने कहा इन जय विजय को देखो मैं अंदर जा रहा हूं, शांति रहनी चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए किसी को अंदर नहीं आना, भले ही लक्ष्मी भी आ जाए। ऐसा कह करके भगवान, फिर लक्ष्मी जी को लगा मुझे ऐसा नहीं करना, आई अब आई और अंदर जाने लगी, जय विजय में अपने अपनी छड़ी लगा दी और बोला आप मिल जाते, अरे मैं तो तुम्हारे घर की मालकिन हूँ और तुम मेरे को इस घर में जाने जरूर हो, कुछ नहीं मालिक की आज्ञा है, चाहे लक्ष्मी भी आ जाए तो उसको अंदर नहीं आने देना। अब लक्ष्मी जी को लगा भगवान जा रहा है, यहाँ खूब सारे कमल लगे हुए थे, उस कमल वन में चली गई और वहां जाकर के उन्होंने तप किया। फिर भगवान आए, भगवान ने प्रसन्न हुए उनको, उससे उनका नाम हो गया कमला, कमला लक्ष्मी, कमल वन में जाके तप किया इसलिए कमला किया। लक्ष्मी जी ने वहां पर उनको भगवान को प्रार्थना की, महाराज उस घर में तो मैं नहीं, या तो वो दोनों रहेंगे या फिर पहले उनको वहां से निकाल, उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे को अंदर भी जाने। भगवान ने कहा क्या देखो ऐसे जल्दी में अपन कर ऐसा कर देंगे, ये अपने पुराने नौकर हैं, उनको एकदम से नहीं निकाल सकते, और निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो पत्नी के कहने से ऐसा करके भगवान की सारी व्यवस्था, ये सब लोक व्यवहार समझाने के लिए। आज भगवान कह रहे हैं कि कुछ दिन की बात है, आप कह रहे हैं कि इन दोनों को निकाल दो, तो अपन निकालते तो बात दूसरी थी, अपने आप इनका काम हो गया, ये ऋषि आ गए, उन्होंने इनको यहां से हटा दिया। तो ये ध्यान रखने की बात है, व्यवहार कैसे व्यवहार करना चाहिए। अस्तु वो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में यहां पर पैदा होता है। राजा ने पूछा महाराज ये कैसे हुआ, कहा भाई एक बार की बात, कश्यप जी महाराज अपने आश्रम में उपासना में लगे हुए थे, संध्या का समय था, उनकी दो पत्नियां एक दीति और एक अदिति, दीति से देख के हुए अदिति से आदि देवता था। उस दीति ने संध्या के पहला में जा करके और कश्यप जी से प्रार्थना की, महाराज मुझे संतान चाहिए, भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, इस संध्या की वेला में भगवान का भजन करने का समय, संध्या करने का समय, अग्निहोत्र सायंकालीन हवन करने का समय और भजन करने का समय, उस संध्या की वेला में जब सूर्य अस्त होता हो ऐसी वेला में, संध्या की वेला जिसको कुबेरी वेला कहते हैं, उस समय में खाना पीना सोना सांसारिक क्रियाएं करना ये सब मना है, पढ़ना लिखना भी मना रहता है, विद्यार्थी को समय पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए। उस दीपी ने जबरदस्ती उस संध्या के वेला में गर्भधारण किया। ऋषि ने दीपी को कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, जबरदस्ती इस प्रकार का काम किया है,
इस समय में भगवान शिव भूत प्रेत पिशाचादि के साथ में घूमने के लिए निकलते हैं संध्या के लिए। और शिव की तुम्हारे देवर है त्रिभी पश्चति देवरस्ते, उन्होंने तीन आंखों से तुमको ये गलत काम करते हुए देखा है। यदि हम उस समय में खाते हैं पीते हैं सोते हैं या सांसारिक क्रियाएं करते हैं तो उसमें शरीर के अंदर आधी व्याधि आती है, संतान में दोष आता है, इसलिए उस समय ये सब चीजें वर्जित है। अब दीदी को ये उसको भी अपने भूल समझ में आई कि वास्तव में ये ठीक नहीं हुआ, ये तो इस आवेश में आ गई थी, मेरी इच्छा पूरी करो मेरी इच्छा पूरी करो, तो ऐसा हो गया। मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करके भगवान से क्षमा चाहती हूँ, मेरी गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा भैया तुम इनको मारने के लिए भगवान आएंगे, कहा नहीं मेरे बच्चे मरे नहीं, मेरे बच्चे जीवित रहना चाहिए। तो उस समय में ये जय और विजय दोनों ही उस स्थिति के गर्भ में आए और समय आने पर वो पैदा हो। दीति ने 100 वर्ष तक कितने 100 वर्ष तक उन बच्चों को अपने पेट में रखा, मंत्र के प्रभाव से जब मैं कहूं कब आ रहा है बाहर निकलेंगे तो भगवान मार दो, उसको 100 वर्ष तक पैदा हुए। तो दिनों दिन बढ़ने लगे, साल नहीं लगे, जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, आज धोती पहना है तो कल लंगोटी बन जाए, ऐसी स्थिति थी, ऐसे स्पीड से बढ़ गए। वो हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए पृथ्वी पर सब देवताओं के पास गया, मेरे साथ लड़ाई करो भैया हम तो नहीं लड़ सकते, जबरदस्ती जाके बोले मेरे साथ लड़े तो सबने मना कर दिया। तो वरुण के पास गया, वरुण देवता के पास, उनको कहा कि मेरे साथ युद्ध करो। अब भैया देखो हम सब लोगों में कोई ऐसा नहीं है, कौन है ऐसा जो मेरे साथ लड़ाई कर सके। तो वरुण देवता ने कहा भैया और तो किसी में सामर्थ्य नहीं है तुमसे लड़ने की, भगवान नारायण है वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, विष्णु भगवान लड़ सकते हैं, कहाँ मिलेंगे। बोला वैकुंठ में मिलेंगे, वैकुंठ उनका घर, वहां चले जाओ। अब वहां आया तो वहां आने के बाद भगवान नहीं मिले, फिर वहां से चला, अब वहां से चला तो रास्ते में श्रीमन नारायण नारायण भैया
बेचारा भगवान वैकुंठ में थोड़ी रहते, कहाँ रहते। अरे भगवान ने एक बार मेरे को कहा था कि ना हम बसा भी वैकुंठ योगी नाम हृदय है ना, ये योगियों के हृदय में भी नहीं रहता और वैकुंठ में भी नहीं रहता, वे कहाँ रहते। यत्रमत्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यहाँ प्रेम से मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरा गुणगान करते हैं, कथा कर सुनते हैं, भजन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। भगवान ने पृथ्वी को कहा भाई चलो लेने लेके आने लगे, तो पृथ्वी कहती महाराज आपकी अनुपस्थिति में ये मुझे आपके घर से उठा के ले आए, नहीं थे घर में तो नहीं मुझे उठा के ले आए, अब आप चुपचाप यहाँ से उठा के ले जाओगे तो ठीक नहीं, इसने जो किया है इसका फल इसको मिलना है। बड़ी ठीक चली और कहने लगे महाराज मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकता, कुछ वाहन हो कोई साधन हो तो भगवान ने अपने मुख के अग्रभाग में उसको पकड़ा और चलने लगे। नाक्षस जाके उसने कहा रहे ठहरो, उसने कहा एक ग्राम सुकर भगवान को आप शब्द होते हैं तो मेरे साथ युद्ध करो तो मैं ऐसे नहीं कह जाते। भगवान ने कहा कि इससे अभी अपन बातचीत करेंगे तो भूख करेगा पृथ्वी बाहर निकल जाएगी फिर यही, इसलिए भगवान जल्दी जल्दी बाहर आए उस पृथ्वी को नाव की तरह से जल के ऊपर स्थापित किया। फिर उस हिरण्याक्ष देवत को कहते हैं भगवान मेरे को क्या कहा, हम तो तेरे जैसे गांव के शेरों को ढूंढते रहते हैं, गांव का शेर समझ गए ना, गांव का शेर तुम्हारे जैसे गांव के शेरों को ढूंढते रहते, फिर युद्ध हुआ मेरे बातचीत में हुआ फिर बातचीत हुई उसके बाद में युद्ध हुआ और भगवान ने उसको वहां पर समाप्त किया। बोलो नारायण भगवान, भगवान ने हिरण्याक्ष का देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद मनु ने सृष्टि किया, मनु महाराज की यहाँ पर तीन लड़कियां हुई और दो लड़के, आकृति देवहूति और प्रसूति, ये तीन लड़कियां प्रियव्रत और मुक्तानुपाद नाम के दो लड़के। अब लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं उनका विवाह पहले करना पड़ता है, तो जो देवहूति थी उस देवहूति के विवाह का प्रसंग करना चाहिए देखना चाहिए करना चाहिए, कोई भी आए तो पहले आने के बाद उसको आइए पधारिए बैठिए, पानी वाणी इसके द्वारा तो स्वागत करना ही चाहिए, उसका कोई लगता नहीं आओ साहब पधारो तो कह सकते उनको बिठाएगा उनको मार दिया वही रखेंगे, दो जन बैठ गए मनु शत्रुपा बैठ गए। अब वो लड़की आई आजकल की तरह से डस्टिंग नहीं होती, आजकल तो बड़ा विचित्र काम अमुक आता है कि नहीं आता है, हमको नाचना आता है कि नहीं आता है, गाना आता है कि नहीं आता है, भराना आता है कि नहीं आता है, ऐसे विचित्र विचित्र। उसके गुणों से उनको कुछ लेना देना नहीं, रूप रूप रंग और पैसा लड़के वाले भी जाते हैं
तो कितना है आपका साल भर में कितना होता है, क्या पैकेज पैकेज देखने वाले ज्यादा फिर कभी कभी तकलीफ तो पड़ जाती है। ऋषिदेव और मन ये सब बातें नहीं रखती, केवल एक आसन बिछाया था और आसन के पास लड़की आकर के खड़ी हो गई। तो ऋषि ने इशारा किया बैठो, अब वो सोच रही है यदि मैं बैठ जाती हूं, ये आसन तो इन्होंने बिछाया था, मैं बैठ जाऊं ये क्या सोचेंगे, इनके मन में क्या विचार है। बहुत बुद्धिमान लड़के थे, बहुत लड़की पढ़े लिखे बुद्धिमान तो विचार करने लगे। आखिर में ऋषि ने दूसरी बार फिर कहा तीसरा आसन तो माने नहीं, तो पहली बार में तो उसने ये विचार किया कि यदि मैं बैठ जाऊं तो ये सोचेंगे अभी इसकी ये कंडीशन है, मैं इसके लिए अतर लगाऊं फिर ये बैठे। और दूसरी बार जब ऋषि ने कहा कि भाई बैठ जाओ, तो मन में सोच रहे कि अब यदि नहीं बैठते ये क्या सोचे, जो हमारे कहने नहीं माने, जो अभी मेरी बात नहीं सुन, मैं कह रहा हूं वो लड़की बैठी जमीन पर बैठ गई और उसने अपना हाथ आसन के ऊपर रखा। ऋषि को लड़की पसंद आ गया और कुछ नहीं पूछा हुआ, मनु महाराज ने कहा महाराज मेरी ये बेटी है और सर्वगुण संपन्न है, सारी बातें हैं, हमने सुना है कि आप अपने इस ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके गृहस्थ में जाना चाहते हैं, आप परिवार की इच्छा है, हमारा सब काम खुला हो गया, विवाह है तो हम विवाह करेंगे, ठीक है विवाह करना चाहते हैं। और ये जो लड़की है स्वयं चल करके इसकी गुणों की बड़ी प्रशंसा हमने सुनी, कई लोग प्रशंसा करते हैं, सुंदर भी बहुत है और गुणवान भी बहुत है, इसकी सुंदरता को देख करके आकाश में विचरने वाले कन्याओं का जो अधिपति गंधर्व है वो स्वयं विश्वावसु गंधर्व वो कन्याओं का अधिपति है, जिसको कन्या की अपेक्षा हो उसकी उपासना करे तो वह कन्या मिल जाए विवाह हो जाता है। वो कन्याओं का अधिपति गंधर्व विमान से जा रहा है और आपके महल की छत के ऊपर ये लड़की गेंद खेल रही थी, उसको देख करके वो विमान से नीचे गिर गया कि ऐसी कन्या तो मेरे पास नहीं, हमारे पास इतनी कन्या इसमें इतनी सुंदर कन्या है, तो इसकी रूप और गुणों की तो हमने बहुत प्रशंसा सुनी है, महाराज ये कर करके आई ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त क्या, कि संतान प्राप्ति होने के बाद मैं गृहस्थी छोड़ू, फिर मेरा इस ओर ध्यान नहीं रहेगा, मैं गृहस्थी का धर्म नहीं अपना एकांत में भजन पूजन करूंगा आदि आदि बातें। मनु महाराज ने पत्नी की तरफ देखा क्या करना, ये महाराज को ऐसा कह रहे हैं एक संतान हो जाएगी उसके बाद, अरे महाराज जी सब पहले ऐसे ही कहते हैं, किसी को बोलो ब्याह कर लो, नहीं 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 तो जब ब्याह कर लो कहते हैं जो कह जो करवा लगा, ये कैसा पड़ेगा तो ये सब काम करेगा। और ये तो ऐसा है कि इसमें जो एक बार इस चक्र में पड़ जाता है वो इससे बाहर निकल नहीं सकता है, ये अभी नाटक है
पत्नी की भी स्वीकृति हो जाए, खाली पिता के कहने से नहीं, पति पत्नी दोनों और लड़की की भी स्वीकृति, उसका भी आप विवाह करने के करते हैं ना, कन्या का जब दान करने बैठते हैं तो पंडित जी कहते हैं, संकल्प कराते हैं, तो कहते भैया बोलो, यजमान पिता तो संकल्प करता ही, वो माँ से भी वचन दिलवाते हैं, बोलो मैया भी दत्ता, मैंने भी इस कन्या का दान किया, माँ हानि भरती है तो कुछ नहीं होता, मैया भी दत्ता इस शास्त्र का वचन माँ की विधि, मैंने भी दिया सब पूरा होता। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद में जो कुछ उनका सम्मान करना था वो सब उन्होंने किया। फिर कन्या की विदाई के समय उन माता पिता ने उस कन्या को अपने हृदय से लगाया और इतना रोना आया, बहुत करुण दृश्य होता है, उन्होंने अपनी नेत्रों के जल से उस कन्या के बालों को पूरी छिटाव की चोटी उससे धर 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 वो आंसू का पकड़ा, उसके बाद भी बहुत बड़े मनो महाराज चले गए, जो कुछ शिक्षा देनी थी जो सीख देनी थी क्या करके चले गए। अब वो लड़के काम महलों में रहने वाली काम झोपड़ी में रहने आगे, लेकिन यहां रहने के बाद उसने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया, जो व्यवस्था थी उसने तो सेवा करने लगी, भवानी व भवम प्रभु, जैसे पार्वती शिव की आराधना करती है, शिव की पूजा करती है, वैसे ही वो उनकी सेवा करती है, वो तो भजन पूजन में लगे रहते हैं, उनके लिए खाने का पीने का सारा व्यवस्था खुद करते हैं, फूल भी लाना है फल भी लाना है और उनको सारी व्यवस्था होगा, बहुत दिन बीत गए। इसके बाद समय बीत गया, परसों बीत गया, एक दिन वो ऋषि के मन में आया कि अरे ये हमारी पत्नी क्या हालत हो गई, खाना पीना सब कुछ फर्क पड़ता है, बिना खाने का फल खाने पड़ते हैं, छोटा छोटा खाना पड़ता है, कितनी सुंदर थी उनकी होगी। तो एक दिन उन्होंने उसको कहा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी सेवा से क्योंकि उन्होंने योग का आश्रय किया था, उस योग से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, सब कुछ करने में समझ वो चाहे वो जो आपकी इच्छा, मैं तो जिस दिन वो मेरे घर पर आपके पास आए, मैंने आपके साथ विवाह किया तो मैंने आपकी कोई अलग इच्छा नहीं रखी, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, जो आप चाहेंगे। उसको कहा देखो वो सामने बिंदु सरोवर सरस्वती नदी के किनारे वहां पर एक बिंदु सरोवर था, भगवान जब उनको दर्शन देने आए थे ना तपस्या के बाद, तो उनको देख करके भगवान की आंखों से आंसू बहे, ऐसे प्रेम के आंसू भगवान का, उससे वो बिंदु सरोवर उसमें जाकर के तुम स्नान कर, वो स्नान करने के लिए जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो पिता के घर से जितनी सुंदर वो आई थी उससे ज्यादा सुंदर, 10,000 सेविकाएं उसकी सेवा के लिए वहां कर दी। ऋषि ने कामक विमान का निर्माण किया, कामक कामना के अनुसार चलने लगा, वो आकाश में उड़ भी सकता था, धरती में भी जल सकता था और पानी में तैर सकता था, कहीं भी जाओ सब
सब जगह हजारों लोगों के वहां रहने की व्यवस्था की, खाने की, पीने की, मार्केट उठाना नहीं, सब कुछ अंदर है और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है। विभिन्न कुल भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, बेडरूम भी है, सारी बातें सब कुछ फैसिलिटी। अब वो लड़की को वो सोचने लगी देवोदी को, यह ऋषि तो वैसे ही होंगे, वो जगह बढ़ रहे होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, लेकिन उन्होंने भी योग बल से अपने आप को षोडश वर्ष का कुमार बनाया। देवताओं की जितने वन थे, जितने उनके गार्डन नंदन वन, जयतुलन वन, बैठराज वन, सरोतो वन, ऐसे जितने वन है, उन वनों में जाकर के महीनों तक रहे। इंद्र ने देखा, अरे ऐसी चीज तो मेरे बल में नहीं, ऐसा मन मेरे बल में इतना तेज हो। उन 100 वर्षों में उनके यहाँ पर 9 लड़कियां, 9 कन्याओं का जन्म। फिर अपने आश्रम में आ गए। वहां आने के बाद ऋषि ने कहा, भी देखो मैंने तुम्हारे पिता को कहा था कि संतान हो जाएगी, उसके बाद वन में चला जाऊंगा। अब लोग कहते हैं ये पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे या तरीके से रखते थे, यहाँ देवभूति का वचन है तो कहती है कि उत्पाद्य पुत्रान अरिनाश्च कृत्वा मृत्युं च देव्यो नुमृगाय किञ्चित्। महाराज पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न हो उसके बाद आप जा सकते, पुत्र उत्पन्न करना चाहिए और उनकी आजीविका का साधन बनना, कमाने खाने की व्यवस्था करना, खाली उत्पन्न करना ऐसा नहीं, उनकी व्यवस्था करना। स्थाने कुमारी प्रतिभा के सर्वा जितनी लड़कियां हो उन लड़कियों को उनके घर भेजो, यानी उनका विवाह कर दो, उसके बाद आप जंगल में जा सकते हो, आप आवाजी बन सकते हो। अरण्य के संस्थो तो मुझे भी पूछे ऐसा शास्त्र का होता, यदि वो पढ़े लिखे नहीं उसमें बता सके शास्त्र। ऋषि ने कहा, रहे मेरे को याद आया, तो भूल ही गया कि भगवान ने कहा था कि मैं तेरे घर बेटा बन गया होगा, पुत्र बन गया। तो देवते जी का भगवान घर में ही आने वाले हो तो जंगल में जाने का क्या जरूरत, घर में ही रहो, यही भजन करो, यही राम नाम करो। काला पिता भी भगवान देवती के गर्भ में आए, समय आने पर सब देवताओं ने आकर के प्रार्थना की, भगवान नारायण का प्रकट हुआ, बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रकट, कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज मेरे ऐसी इच्छा में एकांत में जा सके, तो कभी भगवान ने मेरे पल तुम्हारी याद आते रहे ठाकुर, आते रहे हर पल तुम्हारी याद आते रहे राधा, आते रहे हर पल तुम्हारी याद, आते रहे ठाकुर आते रहे हर पल तुम्हारी याद, आते रहे तुम्हारी
कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, कहां ये सुरक्षित रहने वाला है, एक घर से उठा करके दूसरे घर में छिपा दिए, दूसरे घर से तीसरे घर में रख, अलग अलग जगह रखी, तो अपने वो आत्मसमर्पण का मतलब है कि भगवान के सामने तुमको रखना है तो रखो, मारना है तो मार दो, डालना है तो डाल, भगवान की बात है। चरणा पूजा भक्ति और एक मुखा पूजा, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पहले चरणों का दर्शन करते हैं, सबका अलग अलग भाव, कोई पहले चरणों का दर्शन करता है, कोई धीरे 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 मुखारविंद की ओर जाता है, और कोई पहले मुखारविंद का दर्शन करता है, फिर धीरे 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 चरणों की ओर अपनी दृष्टि ले जाता है। तो चरणों की उपासना करना, मुखारविंद की उपासना करना, चरणा पूजा और मुखा पूजा करना, ध्यान करने का नियम, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि आप और कुछ करो या नहीं करो, भगवान की इस भक्ति में संचिंतये भगवतश्चरणारविन्दम् भगवान के चरणों का ध्यान रखना, चरण कैसे हैं, ये ऊपर वाला जो स्तर हम तलवे करें, भगवान के तलवे में वज्र अंकुश वज्र इन सब के चिन्ह है, वज्रांकुश वज्र सरोवर वो कमल का फूल, ये सब भगवान के चरणों में चिन्ह है, उनका ध्यान करना, और ऊपर के पद का जब ध्यान करते हैं अंगूठे का और उनके नखों का, तो उस समय में ये ध्यान करो कि भगवान के नख से ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, और वो हमारे अंतकरण में उसकी रोशनी पड़ रही है, ये ध्यान करने की बात, ऐसे ध्यान करना है, किसी भी स्थिति में रहो, सवेरे सवेरे उठकर के पहले भगवान का ध्यान, 5 मिनट बिस्तर में बैठे रहो, वहीं बैठ कर के और भगवान का और ध्यान, उसके बाद दूसरा काम शुरू करो, भगवान के चरणों का ध्यान, उनके नकमणि का ध्यान, फिर उनके गुप्तों का ध्यान, गुरु प्रदेश का ध्यान, सब जगह अपनी दृष्टि रहे, जैसा भगवान ने वस्त्र पहन रखा है, किस प्रकार का भगवान का श्रृंगार है, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, उनका ध्यान करना, फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना,
बहुत बड़ी भगवान एक जो चाहत रहे जनता वाली भगवान मुस्कुरा रहे ऐसा ध्यान करना। एक भगवान का रोता हुआ स्वरूप देखा है, टेंशन में देखा है, इसलिए ध्यान किया जाता है। भगवान के जैसे स्वरूप का आप चिंतन करो, सवेरे सवेरे उठ करके भगवान के प्रसन्न कार्य का दर्शन करो, उसका ध्यान करो, तो सारा दिन प्रसन्न रहोगे। और किसी रोते हुए आदमी का ध्यान कर लोगे सब हंसते हुए, आज कहीं को मुंडो देखो भगवान का, भगवान के मुखारविंद का चिंतन करना, भगवान के उस हंसी का ध्यान करना। मंदिर में जाओ तो भी ध्यान रखना, भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो किस बात से मुस्कुरा रहे हैं इस बात का विचार करो। मेरी गलती के ऊपर हंस रहे हैं कि मेरी अच्छाई के ऊपर हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा है। मंदिर में जाए दुआ जाके क्या होता है, स्वामी गुरु माता कविता तमेव विद्या कविनम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। मंदिर में जाते हैं तब भगवान के सामने जाके बोले आप ही मेरी मालिक हो, आप ही सब कुछ हो, आपके भरोसे हो, यही बोलते हैं ना। तो वहां से बाहर निकले, बाहर निकले किसी से कुछ काम कराना हो, अरे भैया हम तो दादे भरे, हम तो तेरे ही भरे थे, साफ से मिले थे भैया, साफ से मिला दे, मेरा ही काम कर, मैं तो तुम्हारे भरोसे हूँ भैया, अरे तू तो हमारा सब कुछ। फिर दूसरे दिन मंदिर जाते हैं, भगवान कहते झूठा है, झूठ बोलता है, यहाँ मेरे सामने आता है कहता है कि तुम ही मेरे भाई बंधु माता पिता सब कुछ हो, और वहां जाता है तो उसको कहता है ये झूठ बोलने वाला आदमी आ गया, उसके ऊपर हंस तो नहीं रहे भगवान, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि मंदिर में जाते हैं तो कुछ बोलते हैं और बाहर जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा तो हम करते ही नहीं। ध्यान की विधि बतलाई, भगवान के श्रृंगार का ध्यान करो और वही स्वरूप का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। जो मंदिर में दर्शन करते हैं भगवान ने कैसा श्रृंगार किया है, भगवान की आंखें कैसी हैं, वो सब ध्यान करते, कैसा मुकुट पहना हुआ है, किस प्रकार की उनकी आकृति है, ये सब बातों का ध्यान किया जाता है। ऐसा करने की भगवान की और भगवान के नाम स्मरण में अपना मन लगाना, ज्यादा से ज्यादा भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और भगवान नाम का स्मरण करना, भगवान के गुणों को सुनना। भक्ति की विशेषता बताई, फिर भगवान से बहुत सारे प्रश्न माता ने किए, भगवान कहते भैया फिर पृथ्वी के गर्भ में, फिर अन्न के गर्भ में आता है, अन्न में आता है, अन्न से फिर पुरुष के गर्भ में जाता है, पुरुष से फिर माता के गर्भ में जाता है, ऐसे पांच जगह उसको कब्जा होता है। फिर माता के पेट में रहते हुए धीरे धीरे उसकी आकृति बढ़ती है, उसकी अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है अंदर, वो प्यास सबने लगती है, माता के पेट में कुछ कृमि रहते कीड़े रहते, वहाँ जो जीव है वो उसको कष्ट पहुँचाने, बड़ा कोमल शरीर होता है,
माता जो कुछ माधुरी जगधान्य पाना जो माँ खाती है पीती है वही उसका उससे जो रस निकलता है वो उसको मिलता है। माँ यदि वो मिर्चे खाती है जैसा जैसा खाएगी वैसे उस बच्चे को पेड़ होंगे। हमारे यहाँ हैदराबाद से कथा करने वाला है, मैं दादाजी की ये कथा हुई मंसूर को तो बोलते थे कि ऐसी गर्भावस्था में माताओं को बढ़िया बढ़िया खीर चट्टादार रबड़ी चट्टादार खीर ये सब था उस बच्चे को पिला दिया। अब पिज्जा खाएगा तो बर्गर पिज्जा ये सब खाएंगे क्या हाल होने वाला अच्छा हाल और अच्छा अपना स्वभाव अच्छी प्रकृति अपना आचरण अपना व्यवहार अपनी बातें क्योंकि वो गर्भ में रहने वाला जो बालक है वो सब कुछ उसके ऊपर असर आता है। हरि नाम हरि का भजन करो हरि।
बहुत बड़ी जगह बड़ा करके रहे, मुंडन करा करके रहे, बड़ी भारी चोटी रखे, किसी भी आश्रम यत्र तत्र आश्रमे वसत, जिस किसी भी आश्रम में रहे, जहां कहीं पे रहे, यदि उसको इस चीज का ज्ञान हो गया तो वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। माता को ज्ञान हुआ, उनकी बातें सुन करके उन बातों को सुना और माता ने कह दिया कि जो कोई डर लग रहा था वो सब दूर हो गया। भगवान कपिल से कपिल माता से आज्ञा लेकर के वापस चले गए, आ गए गंगा सागर संगम में, गंगा सागर संगम में वहां कपिल भगवान ने देवोती ने भी अपने मन को भगवान में लगाया और अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसका शरीर भी नदी के रूप में परिवर्तित हुआ, सिद्धिदा नाम की नदी हो गई और वो भी उस माध्यम से भगवान के चरणों में पहुंचे। बोलो कपिल भगवान। अभी अभी मनु महाराज की एक कन्या के वंश का वर्णन सुना, अब दूसरी का वर्णन करते हैं। दूसरी लड़की की आकृति देवोती और प्रसूति, देवोती का हमने सुना, आकृति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ। उन मनु महाराज को मालूम पड़ा कि भैया यहाँ पर भगवान का अवतार होने वाला है, इस लड़की के यहाँ भगवान है, इसलिए उन्होंने विवाह से पहले ऋषि को कह दिया महाराज जिसके जो लड़का होगा उसको हम लोग ऐसा शास्त्र में लिखा है। वो नाना जी का लड़का कह रहा है, माता मां से लड़का नाना का लड़का होता है। समय आने पर उनके यहाँ पर यज्ञ भगवान का होता है, यज्ञ और दक्षिणा, लड़के को मनु महाराज के लिए यज्ञ होता है। बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी के मरीचि से कश्यप हुए और उनके अनेक पुत्र पुत्रियां और संतान की वृद्धि हुई। कर्दम ऋषि की नौ लड़कियां हुई, नौ का अलग अलग जगह विवाह किया था और वहां किसी को पसंद पसंद नहीं आया। नौ लड़कियां खड़ी थी और नौ लड़कियों के सामने एक एक ऋषि को खड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, कितने और लड़कियां कितनी थी, नौ। अब किसको कुंवारा रखना, लड़कों का वो भी नाराज होगा। तो नारद जी को पूछा क्या करना है, नहीं नहीं हमारे गांव में देख ले सोच ले, नहीं मैं भी तो क्या मानता हूँ। इसलिए जो नौ भाई थे नौ निदान में नौ कन्याओं का विवाह, उनमें एक अत्रि नाम के ऋषि थे, उनका विवाह अनुसुईया के साथ। वो अनुसुईया पतिव्रता है, धर्म परायणा है, उसकी तो उसकी यहाँ पर भगवान का अवतार अत्रि ऋषि ने कब किया, एक पांव के ऊपर खड़े होते एक पांव के ऊपर खड़े होकर के कब था और एक मंत्र बोला, शरणं तं प्रपद्येयं यः एव जगदीश्वर गजानं मेरे को भगवान के समान पुत्र की प्राप्ति हो, यह जो ईश्वर है, जो इस जगत का ईश्वर है, वो जगदीश्वर मुझे अपने समान पुत्र बनाए, ये मंत्र। भगवान आए, भगवान ने कहा क्या चाहते हैं, भगवान अकेले नहीं आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता दर्शन दिया,
किन रूप में आए हैं? आप क्या चाहते हो? महाराज, मेरा जो मंत्र जपा है उस मंत्र के अनुसार उसका फल मिला है। जो जगदीश्वर है वो मुझे अपने समान बेटा है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनो, मैं एक बात करता हूँ आपको। मैंने तो एक को बुलाया था और आप तीन आए। मैंने कहा तीन आए तो तुम्हारा नुकसान क्या किया ना करवा दिया? और हम तीनों अलग अलग नहीं, हम तीनों मिलकर के एक ही हैं, एक अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए तीन लोगों में बैठे हैं। सृष्टि करने के काम में ब्रह्मा रहते हैं, पालन करने के समय में विष्णु रहते हैं और संभाल करने के समय गुरु रहते हैं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों हैं। अब हमारे समान तो हम ही हैं। अरे आप जानो ठीक है, तदास्तु भगवान, तदास्तु कह करके चले। बहुत समय बीत गया, मनिका ने इस बात को पूरा कैसे कर? नारद जी को याद, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में रहे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने निशान भेजा बहुत दिनों में आया। अरे हाँ, आजकल में तो महासती अनुसूया के आश्रम में रहता हूँ, बड़ा अपने वहां पर जाने की छोड़ने की इच्छा ही और सब सुना दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि सती तो कोई ये महासती अनुसूया एक बार ध्यान रखना, वहां पर ऐसा कोई तो है नहीं, लेकिन हमारे मन में ऐसा कोई आ नहीं जाए जिसके लिए ये कथा बताई जाए। बोलता हूँ ऐसा कुछ होता नहीं, छोटा बड़ा कुछ होता। ब्रह्मा जी कुछ ला करते रहते, बेटा ये तुम्हारे लिए तुमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वैसा स्वाद नहीं है। वहां से नारायण नारायण करके चले, शिवजी भी आए, वो अंदर बोल रहे हैं पार्वती ने बनाया था आपका अंदर बोल रहे हैं। अगर नारद बहुत दिनों में आए, हाँ आजकल मैं महासिद्धि अनुसूया की राह रहता हूँ। अरे बेटा देखो, मैंने ये कटोर है जो तुमको बहुत पसंद, तुमको बहुत अच्छा लगता, थोड़ा खाया वो खाने के बाद ठीक है, लेकिन वैसा स्वाद नहीं जो मां सती अनुसूया के यहाँ उस बात में हमको बनाती है, वो अनुभूति के जैसा स्वाद नहीं। उनको भी थोड़ा लक्ष्मी जी के बाद आए, भगवान को तो लीला करनी थी इसलिए इनको। ये नारद भगवान का मन, भगवान का मन, भगवान जो सोचते तुरंत करते। लक्ष्मी जी के पास आए तो उनको भी उन्होंने वही मंत्र दिया, महासती अनुसूया। तीनों देवों के मन में कुछ ऐसी बात आ गई, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को बुलाया उसकी परीक्षा कर, सती की परीक्षा। पार्वती ने भी कहा दोनों चल रहे, अपन दोनों चल रहे हैं, भगवान विष्णु भी साथ में रहे तो अच्छा है, चलो उनके अंदर भगवान के पास आए। आओ आओ बता लो कैसे आना होगा, सब मालूम है, आइए आइए पता नहीं क्या बात है, बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ महाराज क्या करें, हमारे घर में तो ऐसा हो रहा है, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान जी कहते हमारे घर में भी चल रहा है, उनकी सब बात पूछ ली, उनकी सब बात पूछ ली। कुछ लोग ऐसे चतुर होते हैं अपने घर की बात नहीं बताए, दूसरा के घर की सब बात बताए। लक्ष्मी जी अंदर अंदर हंस रहे, हमारी बदनामी नहीं करे, ठीक है आप कहते हो तो मैं भी जानता, मैं बहुत वही जानता,
Oh,
भैया ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ससुर और जमाई में आपस में ऐसा? तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक यज्ञ का आयोजन हुआ, दक्ष प्रजापति को दक्ष को प्रजापति का पद मिला, सब देवता लोग ऋषि मुनि सब आए, बड़े बड़े लोग आए। तो दक्ष को आने में अभी वो पद मिला नहीं, मिलने वाला है, पद मिलने के बाद तो देरी होती है, मिलने से पहले सब लोग बैठे हुए थे और भगवान शिव भी वहां पर बैठे हुए, जवाई साहब बैठे हुए। अचानक लक्ष्य आ गए तो सब लोग शिष्टाचार कि अपने यहाँ कोई भी आता या कहीं हम लोग बैठे हैं बड़े लोग आ जाए पूछना चाहिए स्वागत अभी था। तो इस प्रकार से सब लोग बोले, केवल ब्रह्मा जी और शिव ये दो जगह थे। ब्रह्मा जी तो उसके पिताजी हैं, पिता को अपने बेटे का अभ्यर्थन नहीं करना चाहिए, गुरु को अपने चेहरे का अभ्यर्थन नहीं करना चाहिए। वो शिष्य आए गुरु जी उठ के खड़े हो जाए, उसकी आयु शिक्षण दो से उसके और पत्नी आए पति पति आए तो पत्नी को उपलब्ध शिष्टाचार सीखने की बात। इसलिए शिव जी अच्छा अच्छा ससुर जी आए तो ससुर जी भी बड़े हैं पिता के समान, लेकिन उन्होंने देरी में तो ध्यान भक्त हो गए, उन्होंने उनका वर्णन किया लेकिन उस बात को वो नहीं समझ पाए, टीकाकरण ने उसका वर्णन किया जो भाई सबसे छोटो जवाई सबको इशारा किया बैठ जाओ। जब उनको पद मिल गया तो उसमें धन्यवाद ये आप थोड़ा सा दो शब्द कहेंगे उसमें उन्होंने क्या बोला, भाई आप लोगों ने मुझे इसके लायक समझा है और मुझे ये पद दिया है तो मैं इसको अच्छी तरह से आदि आदि बातें कहेंगे। वो तो सीधा उठते ही हे सभासदों सब लोग सुन लो, श्रूयताम ब्रह्मर्षियो मे सह देवा सहाग्नय, हे देवताओं हे सब लोग आप सुनो मेरी बात, मैं जो तुम बोल रहा हूँ बोले हो सवास में बोल रहा हूँ, मैं अज्ञान पूर्वक या किसी नशे की स्थिति में नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सब बोल रहा हूँ। ये आयम तो किसी को कुछ कहना है तो भाई एकदम उसने तो सीधा इशारा किया युद्ध की तरफ, ये अयम तो लोकपालानां यशोधराः, इसने लोकपालों के यश को नष्ट कर भाषण में और और निरपद कृपा वो श्रुति को गालियां नहीं है, बुरा भला कहने सरस्वती श्रीधर स्वामी ने उस बात का अर्थ बदल दिया, कहते भैया सरस्वती को भगवान शिव की नक्का कर ही नहीं सकती, वो कहता कुछ है और लोगों को सुनाई कुछ और देता है, तारा वो चेंज कर दिया।
वो कह रहा है कि इसने लोक वालों के यश को नष्ट कर दिया है। एक दिशा के स्वामी कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। ईशान कौन जो है पूर्व और उत्तर का जो बना उस दिशा के स्वामी भगवान शिव। तो इसने सब दिशा के जितने लोग पास हैं इतने बड़े बड़े लोग के यश को नष्ट कर दिया, उसके लायक नहीं है कहना वो ये चाहता है, जिसमें इतनी भी समझता नहीं ऐसा वो कहना चाहता है। निरपत्रपा इसको बिल्कुल लाज शर्म कुछ नहीं, निरपत्रपा का मतलब कोई लाज संकोच नहीं। सत्री आचरिका तथा ये सत्रेन दूषिता, अच्छे लोगों के इस मार्ग को इसने दूषित कर दिया। ये सभी शिष्यता प्राप्त इसको मैंने, तो फिर भी इसको इतना भी समझदारी नहीं है कि लोगों के लिए सब लोगों की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, सब लोगों की साक्षी में अपनी कन्या का था। अब वो दोनों में शिव जी में और अपनी बेटी में दोनों के वो करने लगा। मेरी बेटी तो हिरनी की जैसी आंखों वाली और ये बंदर की जैसी इसकी आंख है, प्रशंसा थोड़ी कर रही। मेरी बेटी कितनी सुंदर है और ये देखो बहुत जैसे बोलने लगा हो तो जब गुस्सा आता है तो अपने आप में नहीं रहता, उसको होश ही नहीं रहता कि क्या बोल रहा हूँ। आगे चलकर फिर जब वो पद मिल गया माला वाला पहले से सब काम हो गया, उसके बाद में वो बोलता है कि देखो इसको जरा भी होश नहीं है कैसा था। अच्छा आप किसी का संबंध कराओ रिश्ता कराओ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ था आपको कोई कहने नहीं आएगा, जरा तो हमने इसमें धो लिया ना आना कराए इन्होंने तो ब्रह्मा जी ने तो मुझे अच्छा सोच के कहा था कि अच्छा लड़का है इसके साथ विवाह करो। अब वो कहता है इनके कहने से मैंने, ये मेरे पिताजी है ना, ये इनके कहने ये तो चिता को पिता की भस्म लगाता है, स्मशान में रहता है, लेकिन इनके कहने से मैंने ये काम किया। आज मैं पहला एक कानून बना, एक नियम बनाता हूं, एक नया उसने प्रस्ताव पारित किया, आज से इसको अपने देवताओं की जाति देवई सहभागम न लगता क्या काम जानवर देवताओं के साथ में बैठते भोजन नहीं करेगा तो ये कह। लेकिन सरस्वती ने हर बात का अर्थ बदल दिया, उसने कहा था कि लोकपाला नाम ने जोगना कहा तुम सही कह रहे हो, इन देवों के देव महादेव का यश इतना बड़ा है कि दूसरे सब देवताओं का यश फीका पड़ गया। अरे इनका यश तो इतना बड़ा है कि सारी पृथ्वी का तो वो बनाया जाए पेपर, समुद्र की जाय बना कल प्रदेश की लिखनी और वो सरस्वती उसको लिखने बैठे तो ये सारी जमीन भी सर कम पड़ जाता, इतना भगवान शिव का महात्म्य इतनी नहीं मानी। और आज से
सच्चा हो देवताओं की जाने के बाद ठीक है तुम्हें बराबर था कि देव ईश्वर भारत में नहीं लगता देवताओं के साथ में आम लोगों के साथ व्यक्ति कैसे जीवेंगे उनके लिए बड़ा सिंहासन लगाना पड़ेगा चौकी लगानी पड़ेगी उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी देव ही सहभाग देवताओं के साथ व्यक्ति कैसे जीवेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था हो सब बातें उन्होंने बताई आपस में भगवान जो तो कुछ बोले क्यों ज्ञान गंगा को माथे पर रखा है कोई कुछ भी कहे वो सब अनसुना कर ध्यान नहीं रखे भगवान जो क्या बोलता है लेकिन उनके साथ में जो लोग थे उनके प्रेमी उनको सहन नहीं हुआ कि हमारे महादेव को ऐसा कहा वो आपस में शाबा जाने कर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे तुमने ऐसा कहा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ऐसे कर आखिर में भगवान चले गए सभा विसर्जित हो गई दक्ष ने देखा कि मैंने इतनी गालियां दी इतना बुरा भला कहा तो भी महादेव को कुछ नहीं थी उन्होंने मेरी किसी बात पर जवाब नहीं घमासान हो लोग तो बजा देखने के लिए होते इधर आओ भी लोगों को अच्छा लगता है आपस में अभी किसी की लड़ाई हो जाए किसी की बात मिले आनंद लेते भगवान में चले गए चिंता होगा राम राम करने लगे दक्ष ने एक आयोजन बनाया स्नान किया उसने एक यज्ञ का आयोजन और भैया उस दक्ष ने वो यज्ञ का आयोजन किया सबको निमंत्रण महीने महीने पहले 15 दिन पहले सबको बोला भैया 8 दिन पहले आ जाना यज्ञ में तैयारी करनी पड़ेगी सबको बुलाया केवल सती को नहीं बुलाया वो छोटी बेटी को नहीं बुलाया जबकि वो सबसे प्यारी है जो भी नहीं बुलाया और दक्ष ने सबको कहा था भैया देखो सीधा रास्ता भी था यहाँ आने का नहीं घूम के आना कैलाश वाया कैलाश उनके घर के सामने उनके जहां वो बैठे रहे तो वहां पे रुक कर के आना धीरे धीरे गाड़ी चलते जिससे उनको कुछ ऐसी गाड़ी मिली यज्ञ करना अच्छी बात लेकिन वो यज्ञ पूजा पाठ जो कुछ भी आप करते हो वो किसी दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं दूसरे को कष्ट पहुंचाने की भावना से नहीं करता नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता दक्ष आज कई बार कैसे दे रहा हूं पार्वती से रानी गया उसने पूछा भी पर खाने नहीं मालूम तुम्हारे पुजारी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है इतना बड़ा उत्सव हो रहा है हमको 8 दिन पहले बुलाया ओहो ऐसा हो तो नहीं सकता मेरे पिताजी मेरे को नहीं बुलाया बुलावा तो आया होगा निमंत्रण भी आया होगा भगवान महादेव ने मुझे नहीं बताया आज दिन तक भगवान ने उसको ये बात नहीं कही थी कि वहां क्या होगा वहां की बात वहीं छोड़ दी हम हमारे घर में अशांति क्यों करें दूसरा कोई जमाई होता तो बेटी की खबर ले तो पिताजी ने ऐसा किया मेरे साथ इतने लोगों के बीच में इतनी गालियां थी अपमान कुछ नहीं बोले भगवान मैं अपने घर में क्यों अशांति करूं आज तक भगवान ने नहीं बताया लेकिन आज सती ने जाकर के पूछा महाराज प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम तुम्हारा पिताजी के घर नहीं गए आपके ससुर जी के यहाँ एक बड़ा भाई यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में
लोगों को भी जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अनाहोता भक्त गुरु कष्ट के अपने पति के घर, अपने गुरु के घर, अपने पिता के घर, अपने बंधु बांधवों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। निमंत्रण आएगा मगर तो कार्ड नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा आग्रह नहीं रखना। वहां बिना बुलाया, हाँ बस अपने काम की बात होती है तो लोग उसमें ठीक लगा देते हैं। रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, कोई भी चीज पढ़े, कोई भी अच्छी लगे, ये काम की बात बिना बुलाए जाने का सती नदी एक वहां पर ठीक लगा। तो भगवान को कहने लगी तुम्हारा शास्त्र कहता है कि बिना बुलाए यज्ञ हो ऐसे कोई बिना भगवान को नहीं कोई का कोरोना हो बिना बुलाए जाना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक ऐसा लिखा हुआ है तो भगवान ने कहा इसके आगे की लाइन पढ़ी यानी कि आगे के लिए नदी दो लाइन के विचार लगाया बाकी की छोड़। वो कह रहे हैं जो मन में ये देवी तुम जो कह रही हो बिल्कुल सत्य है लेकिन उसके आगे ये भी तो लिखा है ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो पहले जैसा ही प्रेम हो पहले जैसा ही व्यवहार हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है जो बहुत निकटस्थ होता है अपना पास वाला होता है उसको भी निमंत्रण देना भूल जाता है कई बार ऐसा होता है। लेकिन यदि उस चीज में कुछ बात में कोई खटाई नहीं पड़ी जिसमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना हो तो भैया तो जरूर जाना है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं है तो बिना बुलाए जरूर जाओ। आज भगवान ने बताया कि उस दिन ऐसी ऐसी बात हुई थी और तेरे पिताजी ने हमारा अपमान करने के लिए ये काम और हमको जान बुझ कर नहीं। अब वो सती कहने लगी कुछ गलत फहमी हो गई, मैं अपने पिताजी को जाकर समझाऊंगी और वो आपको जरूर बुलाएंगे। भगवान ने कहा देखो मैं जाना योग्य फिर भी वो नहीं मानी जबरदस्ती जाने लगी। तो भगवान ने कह दिया यदि प्रदिश्य सत्याय मद्वचो भद्रं भवत्यानगतो यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं तुम्हारा भला नहीं। मुझे मालूम है ये किस लिए हो रहा है क्यों हो रहा है सारी बात मुझे पता है फिर भी होली नहीं मैं तो जाऊंगा क्या कैसे हो जबरदस्ती। तो भगवान ने देख लिया कि अब ये वापस नहीं आए क्योंकि वहां जाने के बाद उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे पति का कैसा अपमान हो रहा है। वो सब कुछ सहन कर सकती है कि अपने पति का अपमान नहीं सहन है ये इसको सहन नहीं होगा और ये अपना चरित्र छोड़ देंगे तब तो भगवान के पास। इसलिए भगवान ने उसकी जितनी भी चीजें थी ना श्रृंगार दान मेकअप बॉक्स वगैरह वो सब गणों के साथ वहां पहुंची कोई भी नहीं उठा मां मौसी कुछ लोग माने का बेटा तो क्यों आया इस समय तेरे पिताजी गुस्से में यज्ञशाला में कौन थी वहां जाने के बाद सब जो सावन बनाई हुई भगवान शिव का जो स्थान है ईशान कौन वहां पे शिवजी का कलश रखते यहाँ पे हम लोग कलश रखते शिव जी का आसन ही नहीं लगा उन्हीं आए तो मेरा पाक पसौड़ी तो रखे भी रखे उनके नाम की वो लिस्ट में से नाम ही निकल गई और उसने देखा
ये तो ढोलक मान, उसको सहन नहीं हुआ। उसी समय उसने अपने पिताजी को भी कहा कि यत्रक्षरं नाम अरे जिनका दो अक्षर का प्यारा नाम है, ऐसे भगवान शिव के साथ आपने पेश किया, जो दो अक्षर के उस प्यारे नाम को ले लेता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और आपने क्या किया, आपके द्वारा किया गया ये शरीर भी अब मैं धारण नहीं करूंगा, अब ये शरीर भी मैं नहीं रहूंगा। अब मान लो मैं यहाँ से जाती हूँ तो भगवान शिव तो आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना होने के बाद भी मैं जाऊंगी तो आपका नाम पहले लेते तो बात जान मिलता। उस समय मेरे ऊपर क्या गुजरे, ये इतना सम्मान दे रहे और उधर मेरे पिताजी ने इनका कितना अपमान किया, ऐसे में लेकर के मैं अपमान कैसे जाऊं। तो उसने वहीं पर समाधि लगाई, शरीर का त्याग कर दिया, साथ में जो गण आए थे उन्होंने विरोध प्रकट किया, ऋषि ने दक्षिणाग्नि, अग्निहोत्र में एक दक्षिणाग्नि होती है, एक कुंड होता है दक्षिण दिशा की तरफ आधा कुंड चंद्रा का, उसके अंदर हवन किया, उसमें से कुछ रिघु नाम के देवताओं को बैठे, उन्होंने उन सब गणों को मार पीट करके भगा दिया। ये लोग देखकर के किसी का हाथ जोड़ दिया, किसी का माथा फोड़ दिया, लड़ाई झगड़े में कैसे हो गया, गए जाकर के और विष्णु भगवान को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, शरीर शरीर त्याग कर दिया, भगवान जी का हमको तो पता ही था, तो अपना चुपचाप महाराज जी आए, महाराज जी का महाराज समर्थ व्यक्ति यदि अपराधी को दंड नहीं देगा तो उसका अपराध बढ़ जाएगा, समर्थ है उसको उसका दंड देना चाहिए। तो भगवान को थोड़ा उन्होंने अपनी जटा की कोई ग्रंथ निकाली और तो जमीन पर पटका, उसमें वीरभद्र नाम का एक ग्रंथ प्रकट हुआ और बड़ा भारी विकराल उसका स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल उसकी आंखें हैं और बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े ऐसा करो। तो उसने कहा महाराज मेरे लिए क्या किया, भगवान ने कहा दक्षम च यज्ञम जयमत भटानाम समग्नि रुद्र भटांचको में, जाओ दक्ष का उसके यज्ञ के साथ विनाश कर। अब माया और आतंक के असमय में आंधी तूफान धूल उड़ने लगी और वो कुछ सोचे इतने में तो वो यज्ञशाला में पहुंच गया, जाकर के उसने सारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर। पहले जो लोग इन्होंने अपने मूछ के ऊपर ताव दिया था, उनकी मूछ ऊपर किसी ने दांत दिखाए थे, भाग जाओ नहीं तो उनके दांत को दांत बांध कर सबकी मूर्ति खंडित हो गई और मंदिर में यजमान को पकड़ा और यजमान को पकड़ करके उसका माथा काट दिया और अपने कुंड में स्वाहा, सारा यज्ञ चले गए। शिव के पास ब्रह्मादि देवताओं में जाकर के प्रार्थना की, महाराज ये यज्ञ इस प्रकार से पूरा हो जाए इसकी आप कृपा करो, भगवान को मनाया, भगवान प्रसन्न हुए आए और भगवान ने आकर के उस यज्ञ का संधान दक्ष को बकरे का माथा लगा। अब वो मैं करते हैं कैसे बोलता है, वो अभी भी लोग जो है वो शिव के मंदिर में जाते हैं तो उस प्रकार से आवाज होता, इससे भगवान को जब दक्ष बोलने लगा इस प्रकार से तो भगवान को प्रसन्नता हुई, हंसी आ गई, भगवान ने कृपा करके उसको मनुष्य की बात। दक्ष ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैंने इतना बड़ा अपराध किया, इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आपने मुझे
जीवन दान दे दिया और कहीं आप बकरा बना के छोड़ते तो मेरा क्या होता। आपने मुझे वाणी दी है मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ भगवान। सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना की है इस प्रकार ये स्मृति करते बसाऊंगी मैं तो रथ बसाऊंगी।
भगवान के नाम के जैसा नगीना नहीं। इस वजह बड़ा कठोर तप किया, पहले कुछ फल वगैरह खा ला, कभी वगैरह के पहले तीन तीन दिन के बाद एक बार खा, एक महीना निकल गया भगवान नहीं मिले। दूसरे महीने में छह छह दिन के बाद में कुछ पत्ते वगैरह खा लेना और उससे एक महीना निकाल दिया। फिर तीसरे महीने में नौ नौ दिन के बाद में खाली पानी पीने लगे, एक बार पानी पीना और नौ दिन तक गिरा। तीसरा महीना भी निकल गया, चौथे महीने में बारह बारह दिन के बाद खाली पीना। तो ये खाने पीने से भगवान नहीं मिलते, इसलिए उसने केवल एक बार श्वास लेना और बारह दिन तक अपने श्वास को रोक दिया। चार महीने निकल गया, कुछ नहीं। पांचवे महीने में उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया, एकदम श्वास रोक करके एक पांव के ऊपर, एक पांव के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया और दो द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर दिया। उसने जब अपनी श्वास रोकी तो देवताओं के भी श्वास रोक कर उनकी भी हवा बंद हो गई। वो सबको घबराहट होने लगी कि क्या बात है, जाकर के और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, महाराज जी क्या चाहता है उसको जाकर के दे दो, नहीं तो हमारे कब्जों में। भगवान जी का आप घरों मत, मैं जाकर के उसको तब से मिले। यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान सब जगह दर्शन देने जाते हैं। आज तक जितने भक्त हुए ना, सबको दर्शन देने भगवान गए, लेकिन यहाँ भगवान उसका दर्शन करने के लिए आए। सब भृत्य विदृक्ष उसको देखने के लिए आए कि छोटा सा भक्त कैसा है, भगवान है। अब भगवान आ गए, हम लोग तो थोड़ा सा भजन करते, एक आध माला फेरी नहीं फेरी, कांच पे मुंडो देखो आ गया, तेज आया कि नहीं आया, ग्लो चमक आई कि नहीं आई, मैं कत को सुंदर हुई तो एक माला दो माला चार माला फिर मुंडो देखो आ गया, आंख खोल खोल ने देखो आ गया, भगवान आया नहीं आया। लेकिन इस बच्चे ने आंख ही नहीं खोली, भगवान आगे तो भी आगे बोले का लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोलता हूँ, घर में देखता रहे आया कि नहीं आया, ये तो देख नहीं रहा, इतनी देर हो गई मेरे को आगे खड़े हो रहे। असल में क्या हो रहा था कि जो ध्यान भगवान का नारद जी ने बताया था, भगवान का वो स्वरूप जो उसको अंदर दिख रहा था, अब जिसको अंदर मजा नहीं आता है वो बाहर मजा ढूंढता है, जिसको अंदर आनंद नहीं आता है वो बाहर आनंद की तलाश में भटकता है, वटे मिलेगा वटे मिलेगा सब जगह जगह घूमता है। अंदर जब आनंद आने लग जाए तो समझ लो क्या वकाला सब काम हो गया, तो वो आँख खोल नहीं सकता। भगवान ने उसके अंदर देखने वाले स्वरूप को खींच लिया, जैसे वो अंदर का स्वरूप दिखना बंद हुआ तो एकदम आँख खोली, बाहर हो गई वही भगवान उसको दिखाई। भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान की पूजा करने लगा, जो नारद जी ने बताया था वे समान थे। कुछ बोलने की इच्छा है, कहना चाहता है लेकिन बोलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, और उसने बोले भगवान के सामने, अरे अच्छे अच्छे लोगों की आवाज बंद हो जाती है, कोई छोटा बच्चा और उसको क्या बोलूं मैं भगवान को क्या कहूं। भगवान ने देखा कुछ कहना चाह रहा है, तो अपने हाथ में जो शंख था वो शंख कृपया स्पर्श कपोल हो, उसकी गाल के वो शंख स्पर्श करा दिया। भाई भगवान ने उसके माथे में हाथ रख दिया होगा तो पता नहीं क्या होता, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शंख के माध्यम से स्पर्श हुआ और उसमें भी उसकी सोई हुई वाणी जग गई,
बड़ी भी स्तुति प्रवेश्य मम वाच इमां प्रसोक्तां अन्याश्चरणश्रवणात्मकानी प्राणान् नमो भगवते आपने योन्त प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ता आपने मेरे अंदर प्रवेश होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। सारी इंद्रियां जो काम कर रही है आप देख रही है काम सुन रहे हैं जिह्वा बोल रही है सारी जो काम हो रहे हैं वो सब आपकी कृपा से हो रहे हैं। मेरे प्राण भी आपकी वजह से ये आप तो मेरे प्राण हैं हे भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत दिव्य स्तुति और आगे चल करके वो कहता है हे भगवान भक्ति की धारा निरंतर मेरे हृदय में बहती है जैसे गंगा जी हिमालय से निकल करके समुद्र तक जाते हैं कहीं रुकती नहीं वैसे ही मेरे हृदय में आपकी भक्ति की धारा आपके प्रति जो प्रेम है वो प्रेम निरंतर रात दिन बहता रहे जैसे गंगा रात दिन बहती रहती है आपके भक्तों का साथ प्राप्त भगवान ने कहा उसे क्या होगा जब आपके भक्तों का साथ मिलेगा मैं दिन रात भजन करूंगा तो उससे ये संसार सागर या अनायास पार होगा जो भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है भगवान ने कमर में हाथ क्यों लगा रखा है ये संसार सागर बहुत गहरा है लेकिन जो उनकी शरण में जाता है उसके लिए भगवान कहते हैं ये संसार सागर का पानी कमर जितना ऊपर है तुम डूबोगे नहीं इधर आ जाओ एक हाथ से ऐसे करो इधर आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ डरो मत ये संसार सागर का पानी इतना ही और एक बुरा बस मैं अनायास इस संसार सागर को पार कर लूंगा ऐसी बड़ी दिव्य स्थिति भगवान ने उसको आशीर्वाद दे कि भैया 36,000 वर्षों तक तुम राज्य पिताजी का राज्य मिल जाए सारी बातें उन्होंने बताई जो जो आगे होने वाला है भगवान वरदान दे करके चले गए तो जीव को मन में दुख होता साक्षात भगवान आए और भगवान से मैंने ये संसार मांग लिया हमारे हृदय की कोने में कहीं भी कोई ऐसी बात रहती है तो भगवान को मालूम पड़ जाए मैं जब घर से निकला था तो मेरे अंदर वो पिताजी की गोद में बैठने की बात था वो मैंने भगवान को नहीं बताया लेकिन भगवान को मालूम था इसलिए भगवान ने कहा कि रात जल्दी पे बैठ इन देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ी कि साक्षात मुक्तिपति भगवान आए और उनसे मैंने दुनिया मान के संसार का सुख मांगा फिर वहां से जमे भैया घर आए राज्य में आने के बाद में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ बड़ा आनंद हुआ दोनों माताएं आई सुरुचि भी आई सुनिधि भी आई भगवान ने पहले सुरुचि को दो आशीर्वाद दिया भगवान जल्दी फिर अपनी माँ को प्रणाम किया सुनिधि ने तो उसको जैसे ही अपने गोद में लिया उसी समय उसके स्तनों में दूध आ गया माँ का बड़ा स्वागत राजा ने उस बच्चे को देखा तो इसको धोख दे मैं इतना इतनी अवस्था हो गई मेरे को भगवान देखने उसको देखो भगवान राजा ने बड़ा उत्साह से उस बच्चे को
हाथी पर बिठाया, बड़े आनंद से उसको लेकर के आए हैं। बड़ा स्वागत सबका हुआ। बड़े होने पर उन्होंने उसको राज्य दे दिया, स्वयं वन में चले गए। सुरुचि का बेटा जंगल में गया और वहां पर कुछ गुड़ियों से उसकी लड़ाई हो गई। दोस्त मार रहे, उसकी माँ उसको ढूंढने गई तो जंगल में आग लगी हो उसमें, जैसा कि अब ध्रुव को मालूम पड़ा कि मेरे भाई को इन लोगों ने मार दिया है यक्षों ने, तो वो वहां पर बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों से लड़ने बैठ गए। लड़ने के लिए पहुंचे, मेरे भाई को मारा, बदला लूंगा। लड़ाई शुरू हुई तो वहां पर मनु महाराज आए। मनु महाराज कौन है? उसके दादा थे। बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। दादा जी आया उनका, बेटा तुम भगवान के भक्त हो, तुमने भगवान की आराधना की, बचपन में इतना भगवान का दर्शन प्राप्त करवाए, और तुम्हारे जैसा भक्त यदि वैर भाव रखेगा, दुश्मनी करेगा, तो ये बात रखी। भट पकड़ के बैठ गया, खाना पीना सोना जो अनशन करने लग गया। शिष्यों ने समझाया, भैया ये बात अच्छी नहीं है, तो नहीं माना तो उसने विवाह किया। सुनीता उसका नाम। विवाह करने के बाद में शिष्यों ने कहा, ठीक है तो होना था, हो गया, अब भी थोड़े सावधान रहोगे तो तुम्हारी संतति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारी संतान अच्छी हो जाएगी। विवाह संतान के लिए किया जाता है कि संतान अच्छी हो। समय आने पर उस रानी ने हट कर दिया, नहीं साहब पहली बार तो मैं अपने पिताजी के घर ही जाऊंगा, मेरी माँ के घर जाऊंगा। नहीं माना, जबरदस्ती चली गई। अब वहां गई तो वहां जाने के बाद वहां का जो माहौल था, उस माहौल के अनुसार सारे लक्षण उस बच्चे में आ गए। वहां रोना पीटना मारना चिल्लाना, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको इसका, इसको ये सजा दो, इसको ये सजा दो, यही सब चीजें उस बच्चे में आ गई। बच्चा पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ तो साथ में खेलने वाले बच्चों को रोज मारा पीटी करे, किसी को धक्का दे रहे, किसी को खुश कर दे, किसी को कुछ रोज शिकायत आए, और कोई दौड़ता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता, वाह 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 बहुत बढ़िया। क्योंकि यमराज के दूत उन लोगों को पीटते थे, और पीटने के बाद वो रोता था तो उनको जैसा वहां का उसको देखा, राजा ने समझाया, बहुत समय तक समझाया, लेकिन उसमें समझ में आई नहीं, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ। अतः राजा इतना दुखी हो गया कि रोज कंप्लेन आती है, अरे गांव के लोगों की कंप्लेन आती है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। राजा दुखी हो गया और एक दिन रात को घर छोड़ कर के चला। राजा ने भी तो प्रजा में अराजकता फैल गई, चोरों का लुटेरों का सब लोगों का इसका आतंक बढ़ गया। ऋषियों ने देखा कि ये तो अच्छी बात नहीं, राजा तो होना ही चाहिए, बिना उसके ये लोग अपराध करते ही रहे, अपराध बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने वेद को, उस लड़के का नाम वेद, तभी हम लोग को राजा बनाए। लेकिन जो हमारा नियम है, हमारी जो नियम की पद्धति चल रही है, जो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार ऐसा ही होता है, जो आप कहेंगे वो करेंगे, आप तो बस करो करो। तब ऋषियों ने उसको राजा बेटा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। अब तो जैसे ही राज करती हुए बेटा, और उसके हाथ में सत्ता आई और उसने नया कानून बना दिया। नयश कव्यम नहो कव्यम लादव्यम या देखो, कोई यज्ञ नहीं करेगा,
कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई भागवत रामायण नहीं करेगा, जो करता हुआ दिखाई देगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब जिनको रोज सवेरे 4 बजे उठने की आदत है, जल्दी जल्दी उनके नहा धो के और मंदिर पहुंचते मंदिर में जाते, उन लोगों के बेचारे के सब बड़े परेशानी में लोग परेशान हैं। ऋषियों को मालूम पड़ा था वो गंगा से वापस आए, आश्रमों में रहते थे, आकर के उसको समझाया कि भैया देखो ये जो नियम बना हुआ है वो यज्ञ आगा निकलता है, यज्ञ करने से यज्ञ ध्वज परजन्य और परजन्य अन्न संभव, यज्ञ करने से वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न पैदा होता है, सबका भरण पोषण होता है, मिल्क की चिमनी से की गाड़ी के धुएं से बादल थोड़ी बनता है, उससे वर्षा नहीं होती, उससे प्रदूषण होता है, यज्ञ की परंपरा बंद होती है। ये तो पहले सब जगह समय समय तक लोग यज्ञ करते, तो उसने उस यज्ञ की परंपरा को बंद कर, कोई नहीं करेगा, और पूजा करनी है मंदिर बनाना है तो बेन की मूर्ति मिटाओ, क्योंकि राजा के सब देवताओं का निवास राजा ही सब कुछ, माला फेरनी तो वेनाई नमः की फेरो, सभी तो लोगों को एकदम परेशान करके रख दिया, तो नहीं माना तो ऋषियों ने हुंकार की, उससे उसका प्राण निकल गया, फिर उसको छोड़ करके चले आए। कुछ दिनों के बाद फिर वही समस्या खड़ी हुई, तो ऋषियों ने आकर के उसकी माँ को पूछा कि यह राजा का शरीर कहाँ है, तो औषधि युक्त तेल के बर्तन में आजकल सुई लगा देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं जिससे पुरुषों में कुछ गड़बड़ी नहीं होती, ऐसे समय में पद्धति थी औषधि युक्त नाव में उसको रख दिया गया तेल के अंदर, रानी ने बताया ये शरीर है, उन्होंने उसके शरीर का मतन किया, उसके ऊपर के हिस्से का मतन किया, नीचे के हिस्से का मतन किया, कमर के नीचे से जब उन्होंने उसका वो किया तो उसमें से काले रंग का पुरुष निकला, उसको उन्होंने कहा भैया निश्चित कर, वो निषाद जाति हो गई या एक प्रकार की जंगल में रहने वाली जाति, फिर ऊपर के हिस्से का मतन किया तो यहाँ से सीधे हाथ की तरफ दाहिने भुजा से पृथु नाम के राजा प्रकट हुए और बाई तरफ से अर्ची नाम की रानी, ये लक्ष्मी नारायण का अवतार, पृथु को जैसे ही पृथु का प्राकट्य हुआ सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, उसको उनका राज्याभिषेक हुआ और सब लोग आकर के राजा की स्तुति करे, सूत माधव बंदीजन सब आए, तो राजा ने कहा अरे मैंने तो अभी कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ काम करो तो फिर आप मेरी प्रशंसा करो, राजा ने जब वो राजगद्दी पर बैठे तो प्रजा उनके पास रोते हुए आए, क्योंकि राजा जब दुष्ट होता है अधर्म हो जाता है तो उसके कारण प्रकृति भी साथ नहीं देती, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, पृथ्वी में अन्न पैदा नहीं हुआ, सब चीज की करके वो प्रजा निरंजनी शुद्ध कृष्ण सब राजा के पास आया था, महाराज हमारे सब बात बताई, जमीन में जो बीज डालते हैं वो पैदा नहीं होता है, अपनी सब समस्याओं को उन्होंने बताया, राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और इस पृथ्वी को, तो पृथ्वी गाय के रूप में उपस्थित हुई, राजा ने कहा वसुंधरे हे पृथ्वी मैं तुम्हारा विनाश कर, क्यों महाराज आप मुझे मार दोगे तो प्रजाओं को रखोगे कहा, बोला मैं अपने योग बल से इन सबको धारण करूंगा, माँ अकेली खाती रहे और बच्चों को खाने को ना देती, खाती रहे और बच्चों को खाने को नहीं देती, वैसी माँ को इसलिए गाय ने कहा महाराज मैं इस समय गाय के रूप में उपस्थित हूँ और आप अपना अपना बछड़ा लाओ, सब लोग अपनी इच्छित वस्तु मेरे से बढ़ने जिसको जो चाहिए दे, सब लोगों ने अपने अपने इच्छा के अनुसार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया,
अमृत का दोहन किया, ऋषियों ने वेदों का दोहन किया, राक्षसों ने मदिरा का दोहन किया, सर्पों ने विष का दोहन किया, जिसकी जो अपेक्षित वस्तु राजा ने अन्न औषधि वगैरह का दोहन किया। पहला राजा था उसने पृथ्वी को खेती के योग्य बनाया, तालाब बनाए, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वो सब उन्होंने बनाया। ये राजा बड़ा धर्म, राजा स्वयं धर्म का पालन करता है और प्रजा को भी धर्म का पालन कराता है। यदि राजा प्रजा से फेंक लेता है और उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता है तो उनके पाप होता है। उस राजा के पास सनकादि ऋषि मुनि आए सत्संग करने के लिए, उनकी सभा में बैठे, राजा ने सब लोगों को शिक्षा दी, भैया भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान की आराधना करने से मनुष्य को सब प्रकार से आनंद प्राप्त। उसके बाद राजा ने 100 यज्ञ किए और उस यज्ञ के 99 यज्ञ पूरे हुए, 100 यज्ञ में इंद्र ने विघ्न किया, घोड़े को लेकर के चले गए। राजा के लड़के ने इंद्र के स्वरूप को देखा, इंद्र ने कपट वेश डाले, बड़े विचित्र विचित्र वेश बनाए, जिसके कारण वो सोचता था कि बाबा जी मानव देवता ऐसा करके उनको मारता है। आकर के राजा को बताया तो राजा ने कहा मेरा धनुष बांध पाया लाओ मैं अभी उसकी। ऋषियों ने कहा महाराज आप अनुष्ठान में बैठे हो, आपने नियम दिया है तो आप गुस्सा मत करो। राजा बैठे, उसके बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इंद्र को सांस लाया, ब्रह्मा जी का राजा तुम यज्ञ काय के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान खुश हो जाए तो 99 में भी खुश हो जाएंगे, 100 करने की क्या जरूरत। इंद्र को 100 यज्ञ करने वालों से डर लगता है, 100 करेंगे तो इसलिए वो डरते हैं। ठीक है महाराज आप कहते तो 99 में बोलना होता है, करो बोलना होता है। इंद्र को कहा कि जाओ समय अच्छा करो, तो इंद्र आए, इंद्र को राजा ने भगवान के भक्त नहीं नहीं आप देवता है आप मेरे को प्रणाम करें, इसकी बात अब तो भगवान स्वयं आ गए, क्या बात है, भगवान पधार गए, भगवान को विराजमान किया और वहां कीर्तन होने लगा। नेक्स्ट गोविंद जय जय गोपाल जय आरती
Dina
बंधु दुख भंजना घट घट के पुष्पों की वर्षारों मेरे कोटि कोटि नमस्कार। हाथ जोड़ विनती करो चरण नमाऊं शीश, क्षमा करो अपराध नम क्षमादार जगदीश। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हत्या बंद हो, आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े ही भाव के साथ आज तीसरा दिन का संपन्न हुआ और परिवार पूरा यहाँ मौजूद थे। आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए व्यासपीठ और बड़ी संख्या में देखिए आप सभी भक्त श्रोता के रूप में पधारे हैं और बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद जो है ले रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की ज्योति जलती रहे। श्री कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सभी भक्त जनों से सादर निवेदन है कि कल कृष्ण जन्म पर सभी पुरुष वर्ग जहाँ तक संभव हो पीला कुर्ता पहने और महिला वर्ग से निवेदन है जहाँ तक हो पीलिया पहनने का कष्ट करें। सादर जय श्री कृष्ण।